अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और आपको कहते हैं हंसी मुस्कुराती सुबह के साथ खुशामदीद और गुड मॉर्निंग भी, क्योंकि अच्छी दुआ के साथ सुबह का आगाज़ हो तो दिन भी अच्छा गुजरता है। इवेंचुअली हम अक्सर देखते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए या कुछ अच्छा हो जाए तो हम कहते हैं बस तकदीर पर हमारे यही लिखा था। अच्छा हो जाए तो उसको तो शायद हम तकदीर पर नहीं डालते, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाए तो फिर हम तकदीर को कोसने लग जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारी तकदीर ऐसी ही थी। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह कि अगर सब कुछ तकदीर होती है, नसीब होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है कि आप दुआओं से अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं, अपने हालात भी बदल सकते हैं और मायूसी को भी उम्मीद में तब्दील कर सकते हैं, तो ये एक दुआ की ताकत है। तो किसी ने बहुत ही खूबसूरत शेर कहा है कि तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना किया कर, फूल भी तो खुश रहते हैं कांटों की भीड़ में। तो जनाब खुश रहिए और खुश रखिए भी। और हम आज देखते हैं कि फैमिली वेकेशन में हमने आपके लिए कौन सी जगह चुनी है। तो जनाब आज आपको लेकर चलते हैं नंदना फोर्ट, इसको देखिए फिर इस पर बात करते हैं। तो जनाब ये नंदना फोर्ट ज़रूर देखिए, जिसको प्यार है हिस्ट्री से, सिविलाइजेशन से, आर्किटेक्चर देखने का शौक़ है और बच्चों को भी जोड़ने का शौक़ है, तो इस जगह को बिल्कुल मिस ना कीजिए। और हम चलेंगे एक ब्रेक की जाने पर, फिर देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन से मेहमान मौजूद हैं। वेलकम बैक, और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जाने। तो जनाब जिन मेहमानों से मैं आज आपका तारुफ़ करवाने जा रही हूँ, वो अपनी अपनी प्रोफाइल्स के अंदर कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में तालीम को आम करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और इनसे मज़ीद हम बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि वो क्या डिफरेंट है जो इनके इनिशिएटिव्स हैं वो कर रहे हैं। पहले मैं आपका तारुफ़ कराऊंगी जनाब, कॉमोडोर डॉक्टर साजिद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सितारा इम्तियाज़ हैं एंड ही हैज़ अ वेरी रिच प्रोफाइल, नेवल टेन्योर और इनका रह चुका है। इसके अलावा ये डायरेक्टर मैरीटाइम अफेयर्स एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल एट नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी रह चुके हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया है, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं जफरुल्लाह खान जमाली की, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। इसके अलावा पर्सनल स्टाफ ऑफिसर थे जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के, और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में जब इन्होंने अपनी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से PhD कंप्लीट की, सो नाउ ही इज़ सर्विंग एज अ VC वाइस चांसलर मिन्हाज यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा इन्होंने, चूँकि पानी से इनका ताल्लुक है, सो ही बेटर नोज के समंदर के उस पार क्या कुछ फ्रूटफुल है पाकिस्तान के लिए। सो एक ब्लू इकोनॉमी पे इन्होंने किताब भी लिखी है, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो सर, थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ जनाब मौजूद है, मुझे याद है कि हम अक्सर होता है कि फेसबुक बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे होते हैं, सो अ कॉन्सेप्ट एक मैंने देखा, एक पिक्चर एक्चुअली मैंने देखी कि एक बस है और उसके अंदर किताबें बहुत सारी मौजूद हैं और बहुत ही वो खूबसूरत लग रही है। सो मुझे एकदम ऐसा लगा शायद ये किताबें जो है एक बुक बैंक की सूरत में बस जो है
है वो मूव कर रही है, बट एक्चुअली ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो अपनी ओन पे एक बहुत ही मुमताज करता है। मेरे साथ मौजूद है बसारत काजम साहिबा, ये ऑथर हैं, प्रेसिडेंट हैं अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी की। और अलिफ लैला एक ऐसा नाम है जो हर बच्चे को रिलेट भी करता है। आपका तो पता नहीं, लेकिन जब हम बच्चे थे तो अलिफ लैला की कहानियाँ और अलिफ लैला ड्रामा जो है वो एक नई ही दुनिया में हमें ले जाता था। तो ये बस भी एक्चुअली आपको किताबों की और इनकी उस दुनिया में लेकर जाती है जो हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। एक प्राइज़ विनिंग ऑथर है जनाब, इन्होंने 9 किताबें इन्होंने लिखी हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन अवार्ड भी इनके पास मौजूद है, इंटरनेशनल अवार्ड भी इन्हें दिया गया जूडिथ रीडिंग रूम में पेंसिल्वेनिया में, और इसके अलावा 2020 फ्रीडम थॉट लिटरेसी बोर्ड ऑप्शन प्राइज विनर भी है फॉर हर मोबाइल कैमल लाइब्रेरी फॉर केक बलूचिस्तान। वेलकम टू द शो मैम, बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले मैं सर आपसे शुरू करती हूँ, एक बहुत ही रिच प्रोफाइल और अगर ये कहा जाए कि ऐसा इदारे में माशाल्लाह आपने काम किया है और उसके बाद एज एन एजुकेशनिस्ट यू आर वर्किंग और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं, सो इस तरफ आने का आपका इरादा हमेशा से था, सोच थी कि मुझे एजुकेशन की फील्ड में आके कुछ करना है? एक्चुअली एजुकेशन इज़ नॉट ए प्रोफेशन, इट्स ए पैशन। एग्जैक्टली, अगर आपके पास पैशन है एजुकेशन का ओनली देन यू कैन कम इन दिस फील्ड, फिर आके आप बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, जब हम बचपन में छोटे बच्चे थे, हमारे जमाने में एक वर्ड यूज़ करते थे फ्रेज तालीम और तरबियत। एग्जैक्टली, एक मैगज़ीन भी आता था। आज के दौर में तालीम रह गई है, तरबियत वाला फुकदान है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन थी, लेकिन मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर जो है वो एक वाइड यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत भी की जाती है। ठीक है, और इस कदर तरबियत की जाती है कि वो चीज़ें जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपने करनी है बाहर जाके यूनिवर्सिटी से, वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सिखाया जाता है। हमारा एक सब्जेक्ट है लाइफ एंड लर्निंग, इमटेरियल मिनहाज यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले रहे हैं, लाइफ एंड लर्निंग कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसमें आपको बताया जाता है आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, कपड़े कैसे पहनने हैं, टाई कैसे लगानी है, इंटरव्यू कैसे देना है, CV कैसे बनानी है। एग्जैक्टली, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बाकी यूनिवर्सिटी में नहीं, हम अपनी यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं, एथिक्स सिखाते हैं, उनको मोरालिटी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें ये कंसेप्ट है। तो हमारे पास जो बच्चे हैं वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वहाँ से आते हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, लेकिन जब वो तैयार होकर यहाँ से निकलते हैं तो देर इज़ नो कंपैरिजन, किसी और यूनिवर्सिटी के साथ कंपैरिजन नहीं है उसका। मिनहाज का स्टैंडर्ड इतना हाई है अभी एज़ फार एज़ बच्चों की तरबियत का कंसर्न है। तो मुझसे अगर आप पूछें तो तालीम और तरबियत नहीं बल्कि तरबियत और तालीम है, पहले तरबियत करें बच्चों की फिर तालीम। तरबियत अच्छी होगी, तालीम की तरफ खुद ही रागिब हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगी। आज जो हम इलविल सोसाइटी में देखते हैं, सोसाइटी में हम कह रहे हैं कि जी फलां फलां चीज़ का बड़ा फुकदान आपको नज़र आता है, अगर मुझसे आप पूछते हैं सिर्फ सिर्फ तालीम का इशू है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इशू है, अगर हम तालीम पर तवज्जो दे दें तो सारे मामला ठीक हो सकते हैं। हमारे पास तकरीबन कोई 15 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम PhD करवा रहे हैं, हमारे पास कुछ 60 के करीब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम फिल करवा रहे हैं, ओके 200 के करीब सब्जेक्ट हैं जिसमें हम BS करवा रहे हैं। यू नेम एनी सब्जेक्ट, इट इज़ इन मिनहाज यूनिवर्सिटी। बच्चों को हम फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, बच्चों को हम ये बताते हैं कि आपने यहाँ पे नॉलेज हासिल करने के लिए आना है, ग्रेड लेने के लिए नहीं आना, आपने इस यूनिवर्सिटी में आना है कैपेबिलिटी लेने के लिए, डिग्री लेने के लिए नहीं। तो हमारी जो बच्ची हैं हम उनको कैपेबिलिटी सिखाते हैं, हम उनको नॉलेज देते हैं, ग्रेड्स पे और डिग्री पे उनका फोकस नहीं है, उनका कंपेटेबिलिटी, वो एक अच्छे सिटीजन बनेंगे जब यहाँ से, हमारा फोकस इस चीज़ पे है बच्चों। बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज अगर यही चीज़ें नहीं होती तो बड़ी से बड़ी डिग्री भी आपको एक अच्छा इंसान और अच्छी सोच नहीं दे सकती। अच्छा बसारत सर, आपने बहुत ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं, आप खुद लिखती भी हैं, तो बेसिकली अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी, ये आइडिया आपको कैसे आया, कोई इंस्पिरेशन मिली आपको? ये सोसाइटी फॉर्म हुई थी 1978 में और एक अमेरिकन साहिबा यहाँ पे रह रही थी। अच्छा। तो उन्होंने डॉक्टर वानीता बेकर उनका नाम था, तो उन्होंने फॉर्म की उस वक्त आई वॉज़ अ यंग मदर एंड आई वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन बुक्स, और मेरा हमेशा से जी चाहता था कि बच्चों का रिश्ता किताबों के साथ जुड़े। तो जिस तरह से मैं अपने बच्चों के लिए वो रिश्ता जोड़ रही थी, तो मुझे लगा कि पाकिस्तान के बच्चों के लिए भी जोड़ना ज़रूरी है। फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना शुरू किया, बच्चों से बात करना शुरू की, किताबों की तरफ उनको लाने की कोशिश की, और बस ये करते करते पूरी ज़िंदगी की कहानी बन गई है और ये करती रही मैं।
बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली एक डबल डेकर बस के अंदर कितनी किताबें मौजूद हैं, किस तरह उसे एसेस किया जा सकता है? वो तो मेंबरशिप लेनी होती है बच्चों को, लेकिन वैसे भी आते हैं। और इसके सामने जहाँ पे ये पार्क में खड़ी है, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग भी है जो 80s में गवर्नर जीलानी जब थे तो उन्होंने LDSA कह के अलिफ लैला इस पार्क में ये मौजूद है। ये बी ब्लॉक का एक छोटा सा पार्क है जामिया अशरफिया के ऑपोजिट। अच्छा, तो वहाँ पे मौजूद है। बच्चों का किताबों के साथ रिश्ता जोड़ना क्यों ज़रूरी है, वही जो कॉमोडोर साहब बात कर रहे थे कि हमें इस वक्त मुल्क में ये चाहिए कि हम चीज़ों के बारे में सोचें, परख रखें, पहचान रखें, और वो नहीं हो सकता जब तक आप किताबें नहीं पढ़ते, क्योंकि किताब आपको हर जगह ले जाती है। आप अपने घर बैठे पूरी दुनिया की सैर कर लेते हैं, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को जानना चाहें, उनको परखना चाहें, उनको उल्टा सीधा करना चाहें, किताब पढ़ेंगे तो आप ये सब कर सकते हैं। तो वो जो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है कि हम रट रट के चीज़ें ना सीखें लेकिन इंडिपेंडेंट लर्निंग हो, तो वो तो नहीं हो सकती जब तक किताब के साथ आपका रिश्ता नहीं है। और ज़ाहिर है ये बच्चों के लिए हमने शुरू करना है, क्योंकि जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं तो फिर वो साथ रहती हैं आपके। तो इसलिए बच्चों के लिए कुतुबखाने या लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, ये बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की। आपको याद होगा हमने एक शो किया चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में जाके, और बहुत ही खूबसूरत उनकी लाइब्रेरी है। मैं हैरान हुई कि गवर्नमेंट का कोई इदारा जहाँ पर इतनी अच्छी लाइब्रेरी मौजूद है। मैं इस पर इनसे मज़ीद बात करूँगी, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह ये बच्चों में इंस्टॉल कर रही हैं किताब की अहमियत, आप यंगस्टर्स में किस तरह इंस्टॉल करते हैं किताब की अहमियत? अगर आपको टाइम मिले तो मिन्हाज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी ज़रूर आपने विज़िट करनी है। ठीक है, किसी दिन करते हैं। एशिया की पहली लाइब्रेरी है जो रोबोटिक लाइब्रेरी है। अच्छा, इसमें आप आके बच्चे उस पर बैठते हैं टैब पे, वो टाइप करते हैं कि कौन सी बुक चाहिए, रिबोट जाते हैं पर्टिकुलर जो रैक है वहाँ से रिबोट बुक लेके आते हैं और आके बच्चे के सामने पेश करते हैं टेबल पे। और जब बच्चा वो बुक पढ़ लेता है तो वो दोबारा उसको रखता है उसके ऊपर, तो वो रिबोट आता है, वो बुक उठाता है, वापस रैक में रखता है। ये मुझे नहीं पता था, ये कंसेप्ट पाकिस्तान में क्या, पूरे एशिया में कहीं नहीं है। ये स्पेशली हमने डिज़ाइन करवाई है, चाइनीज इंजीनियर्स को बुलवा के हमने ये बनाई है। बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी है। तो मेरा ख्याल अगर आपने ये लाइब्रेरी मिन्हाज यूनिवर्सिटी की नहीं देखी, देन यू हैव मिस्ड समथिंग। नहीं, एक्चुअली आई एम मिसिंग समथिंग बिकॉज़ आई रियली वांट टू इंटरैक्ट विद द रोबोट्स के कौन से रोबोट्स जो किताबें, बिकॉज़ मैंने सुना भी नहीं था। बट एक्चुअली हम जरूर आएंगे किसी दिन आपके साथ, एक मॉर्निंग शो वहाँ पे करते हैं। अच्छा, ये जो रोबोटिक वाला सर आइडिया था, सो ये क्यों आपको लगा? बिकॉज हम अक्सर देखते हैं ना रोबोट से लोग डर जाते हैं कि मैन पावर कम हो जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा। मैडम ने बड़ी अच्छी बात की है कि किताब से रिश्ता बहुत जरूरी है। अगर आपकी किताब के साथ दोस्ती है तो यू आर वेरी सक्सेसफुल। बचपन से ही दोस्ती पड़ती है आपकी किताब के साथ। मैंने अपने शहर में एक लाइब्रेरी बनवाई है, कमांडर शहजाद लाइब्रेरी लाला मुसा में। अच्छा, जिसमें 25,000 प्लस बुक्स हैं इस वक्त, बड़े लोग आते हैं वहाँ पे पढ़ने के। पब्लिक लाइब्रेरी है। तो मैंने ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद भी फोकस जो था मेरा लाइब्रेरी पे था। अच्छा, लाइब्रेरी पे जनरली जब बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करने के लिए, वो जनरल चक्कर लगाते हैं कबड़ के आगे और कहते हैं जी अवेलेबल नहीं है बुक। वो तलाश करने में उनको डिफिकल्टी होती है। तो मैंने कहा यू जस्ट कम एंड टाइप के आपको बुक कौन सी चाहिए, खुद ही रिबोर्ड ले आएगा, खुद रिबोर्ड तलाश करेगा आपके लिए लेके। हमने फैसिलिटेट किया बच्चों बच्चों को रिसर्च में। फैसिलिटेट हमने क्यों किया ये मैं अब आपको बताता हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी का जो जेवर है ना, ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो है रिसर्च और रिसर्च पब्लिकेशंस। हमारी यूनिवर्सिटी में हमने 10 रिसर्च सेंटर्स अलग से बनाए हैं। अच्छा, 10 सब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट यूनिक किस्म के रिसर्च सेंटर्स हैं, और कम से कम 8 जर्नल हमारे ऐसे हैं जो HEC रिकग्नाइज आगे फिर हो रहे हैं, और फिर उसमें रिसर्च पेपर छपेंगे बच्चों। अच्छा, तो रिसर्च पेपर छपेंगे, MPhil में वो काम आते हैं, PhD में काम आते हैं, और वो जितने रिसर्च सेंटर्स हैं वो अदर देन द डिपार्टमेंट्स हैं। उन रिसर्च सेंटर्स में जो रिसर्चर्स बैठे हुए हैं जो बच्चों को गाइड करते हैं, उससे फिर बच्चों की वो जो है ना लाइब्रेरी में आना जाना बढ़ता है, और बच्चों को रिसर्च के ऊपर वो जो है फैक्टर है ना, वो दे कवर वेरी वेल, उससे फिर बच्चे रिसर्च सीखते हैं। और यही वो सोसाइटी के सेगमेंट है जिन्होंने बाहर आना है। आधे बच्चे तो सर आपके रिपोर्ट्स देख के आ जाते होंगे। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। बाकी लाहौर की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से बच्चे विजिट करते हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने आकर रोबोटिक लाइब्रेरी देखी। तो कोई ऐसा सिस्टम है कि यू हैव ओपन इट फॉर द जनरल पब्लिक एज वेल, कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी चीज़? अभी हमने एलुमनाई के लिए क्लब बना दिए, उनको हमने कार्ड्स इशू कर दिए,
बट फ्यूचर में हम इसको पब्लिक के लिए भी ओपन करने जा रहे हैं, वेरी सून इट विल बी ओपन फॉर द पब्लिक। दैट्स वेरी गुड, बिकॉज़ अगर सारे लोग उस तरह का फायदा उठा सके सो टेक के साथ भी आप बहुत इनोवेटिव चीजें कर सकते हैं। अच्छा बसात का सर, अब ये जो अलिफ लैला बुक बस है, ऑब्वियसली इट कॉस्ट यू बिकॉज एक अमला मौजूद होगा, बच्चे आते होंगे, कितने बच्चे रोजाना आते हैं? बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, हर बच्चा जो आता है वो मेंबर नहीं होता, मेंबर जब होते हैं तो वो किताबें घर ले जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर मेंबर नहीं भी हैं तो वो वहाँ पे बैठ के किताबें पढ़ें जितनी देर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बहुत आते हैं बच्चे, कभी तो काफ़ी ग्रुप्स में आ जाते हैं, कभी एक दो आते अपनी किताबें ले कर निकल जाते हैं। कोविड के ज़माने में भी बच्चे जब नहीं आ सक रहे थे और तो फिर हम बाहर निकले अपनी किताबें लेके, और इसी वजह से हमारे पास हम रिक्शों में भी लाइब्रेरीज खोली हुई हैं, हमने बाइक लाइब्रेरी भी खोली हुई है, हमारी एक बस भी है स्टोरी टेलर के नाम से, जो अगर बच्चे नहीं आते लाइब्रेरी तो हम किताबें बाहर लेके जाते हैं। तो मैम उसका क्या प्रोसीजर है, वो जो स्टोरी टेलर है वो स्कूल्स में जाते हैं, सेशंस होते हैं? जी स्कूल्स में भी जाती है, स्कूल्स इनवाइट करते हैं तो वो लाइब्रेरी जाती है, बच्चे आके किताबें देखते पढ़ते हैं, मेंबर नहीं होते तो किताबें घर नहीं ले जा सकते, और जो रिक्शा है वो कम्युनिटीज़ में फिरता है, स्टोरी टेलर भी कम्युनिटीज़ में जाती है, तो जब बच्चे देखते हैं वो बाहर भागे आते हैं। अगर आप अलिफ लैला का, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई क्लास वो नहीं है, स्पेशली रिक्शा और बाइक्स पे है, सो एनीबॉडी कैन कम सिट एंड गेन द नॉलेज, राइट? एनीबॉडी कैन, एवरी चाइल्ड इन पाकिस्तान कैन एक्सेस। बहुत खूब। और ख्याल तो यही था कि जिन बच्चों के पास ये घर पे नहीं होती सहूलियात, ये उन बच्चों के लिए, जो मैंने अपना वक्त इतना लगाया तो इसी वजह से लगाया कि अगर आप किताब खरीद नहीं सकते, और आप देखेंगे कि there's a whole romance behind libraries, because libraries ने तो पूरी पूरी लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं, जिसको इल्म का शौक़ था, जिसने बचपन में देखा कि उसके अपने घर में चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो वो ये जो लाइब्रेरीज आती थी और घूमती थी मोबाइल लाइब्रेरीज, उनसे बच्चे किताबें निकाल लेते थे। बहुत उम्दा राइटर्स हैं जिनके बारे में अगर आप पढ़ें तो वो कहते कि हम आज इस जगह इसीलिए पहुँचे हैं क्योंकि हम लाइब्रेरीज में जाते थे। तो ये लाइब्रेरीज के साथ रिश्ता जोड़ना, और हमारे मुल्क में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत। बिल्कुल, रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट देख रही थी हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज पे, और उस पर मेजर चीज़ ये थी कि उन लाइब्रेरीज़ को ज़्यादा वो बच्चे यूज़ करते हैं जिन्होंने CSS करना हो या एग्ज़ाम देना हो, आम जनरल पब्लिक की कुछ दस्तरस से भी बाहर है और जो है वहाँ पर शायद जाते नहीं हैं। अच्छा सर, ये जो आपने अपने नाम से सर एक लाइब्रेरी खोली, ये लाला मूसा के अंदर ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं थी दैट यू हैव थॉट कि यू वांटेड? अगर आप GT रोड पर ट्रैवल करें तो लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक दरमियान में पूरे GT रोड पर कोई लाइब्रेरी नहीं थी। और जो मैडम ने बात की, बचपन से आपको किताब के साथ प्यार होता है, आई वॉज़ वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, तो मैं डिफरेंट लाइब्रेरीज पे जाता था, फिर मैं नेवी ज्वाइन के लिए कराची चला गया, कराची के डिफरेंट लाइब्रेरीज में जाके मैं बुक्स पढ़ता था, एंड आई ऑलवेज यूज टू ड्रीम कि हमारे अपने शहर में भी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। इट वाज ए डिफिकल्ट टास्क बिकॉज यू हैव स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज फ्रॉम ओन पॉकेट, देन आई आस्क फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स टू ज्वाइन मी एंड नाउ वी हैव बिल्ट ए ह्यूज लाइब्रेरी। अगर आप ट्रैवल करें यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट लाइब्रेरी, बट उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो मैं मिन्हाज यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ? जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं हमारे, उनका जो विज़न है वो ये है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी में आएँ, जब बच्चे यहाँ से निकलें तो पूरे ट्रांसफॉर्म होकर निकलें, वो एक हेल्दी सिटीज़न बन के निकलें, एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी बन के निकलें यूनिवर्सिटी से। ऐसा नहीं कि बच्चा आया है, चार साल पढ़ा भी है, डिग्री ली और फिर जाके वो उसी तरह का जिस तरह के बाकी। अच्छा सर, एक बात पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में, मेरे पास कासिम अली शाह साहब भी हैं, उन्होंने भी इस पर डिबेट की और भी गेस्ट आते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक चीज़ की डिग्री हम इशू करते हैं, बट जब वो बच्चा इंडस्ट्री के अंदर जाता है तो वो डिग्री उसको वो चीज़ें नहीं सिखा पाती जो उसकी जॉब के लिए बहुत ज़रूरी होती है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ग्रूमिंग, योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, ये जो चीज़ें हैं। अब चूंकि योर यूनिवर्सिटी हैज़ एन इनोवेटिव आइडियाज़ और आप तालीम और तरबियत भी बहुत फोकस कर रहे हैं, सो ये किस तरह आप इंश्योर करते हैं कि जब इंडस्ट्री में ये बच्चे जाएं तो थोड़ा सा मुमताज़ रहें?
हर यूनिवर्सिटी को HEC की डायरेक्शन है कि इंटरनेशनल जो आपके और नेशनल लेवल पे जो इंडस्ट्री है उससे लिंकेजेस एस्टेब्लिश जरूर करें। हमें जो एडवांटेज है वो कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट हमारी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में मिन्हाज यूनिवर्सिटी लाहौर में जो बच्चा एडमिशन लेता है इमटेरियल वो किस सब्जेक्ट में लेता है, तो सामने तो इंडस्ट्रियल स्टेट, तो हमारी जो लिंकेजेस हैं वो बड़ी स्ट्रांग है। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एडवांसमेंट सेल बनाया हुआ है जिसका काम ही सिर्फ ये है कि बच्चों को इंटर्नशिप करवाए जाके डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस ना दैट इज़ वेरी स्ट्रांग। इसके अलावा डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर है जो इंश्योर करता है, उसके ऊपर चेक है कि वो बच्चे जा रहे हैं इंटर्नशिप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो इनका ऑफिस है, इनके साथ हमारा बड़ा क्लोज लेजान है, हमारे डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स हैं वो वेरी फ्रिक्वेंटली बच्चों को लेके जाते हैं और इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलवाते हैं और उनकी इंटर्नशिप्स वहाँ पे करवाते हैं। तो जिसने मैंने आपको कहा था ना कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसके जो विजन में ये लिखा हुआ है, डॉक्टर हुसैन मईउद्दीन कादरी इसको हेड करते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा जब निकले यहाँ से तो वो जॉब जाके ज्वाइन करें या वो जॉब प्रोवाइडर बने इंस्टेड ऑफ को डिग्री लेके मार्केट में फिरता रहे, तो बाय द टाइम वो 8th सेमेस्टर में पहुँचता है या किसी ना किसी लेवल पर पहुँचता है उस वक्त तक वी स्टार्टेड अर्निंग। वो कैसे अर्न करता है, वो ई कॉमर्स से करता है, वो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस से करता है, वो चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के थ्रू करता है। ये लिंकेजेस बड़ी स्ट्रांग हमने बनाई हुई हैं अपनी, तो हमारे जो बच्चे हैं दे आर क्वाइट सक्सेसफुल और हमारा जो एडमिशन हर साल बढ़ता जा रहा है वो सिर्फ इसी वजह से कि जो बच्चे निकल रहे हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड यूजफुल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल। अच्छा बसारत साहब, एक कैमल लाइब्रेरी के लिए मैम आपको अवार्ड मिला है बलूचिस्तान में, मैं चाहूँगी जरा बताइए वो क्या कॉन्सेप्ट था, क्या बेसिकली जब कोविड थी और इनफैक्ट कॉमोडोर साहब से मैं ये बात करूँगी, मेरी बात चल रही थी ज़ुबैदा जलाल के साथ और वो था कि हम बोट लाइब्रेरीज शुरू करें, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया ज़रूर करते और उससे बात निकली तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैमल लाइब्रेरी कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने इथियोपिया की देखी थी कोई कैमल लाइब्रेरी, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल और मैं जानती भी हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने अपने मुल्कों में चलाई हैं ये लाइब्रेरीज, तो बस फिर वो बात हुई कि हमने वो शराकत में अलिफ लैला में। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा ईमान ही है कि हमें अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद नहीं बनानी चाहिए और लोगों को आपस में शामिल होकर काम करना चाहिए, क्योंकि उससे पैसे बहुत बच जाते हैं, तो जो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं उनको अगर वो हाथ एक दूसरे का पकड़ ले तो काम भी मजबूत होता है। और इसमें ये मैं और तुम वाली बात नहीं है, हमें तो अपने बच्चों के लिए काम करना है, तो ये हमारी सोच है। उस पर हमने फिर बलूचिस्तान में, जहाँ कि शायद हम अगर खुद जाते तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते, तो हमने फिर ये कैमल लाइब्रेरी वहाँ पे शुरू की, वो उसको जूडिथ्स रीडिंग रूम ने स्पॉन्सर किया और अब माशाल्लाह एक नहीं अब 8 चल रही हैं। दो एक कैमल पे कितनी किताबें आ जाती हैं? 500-600 हम शुरू में भेजते हैं और फिर साथ साथ भेजते जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे जब ले लेते हैं पढ़ते हैं किताबें फिर वो और मांगते हैं, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रोजेक्ट चल रहा है। एक मैं यहाँ पे इकरा बात करना चाहती हूँ, हमारा जो दो चीज़ें अलिफ लैला में हुई, एक तो ये किताबों के साथ रिश्ता जोड़ना और किताब से वो चीज़ें अक्स करना जो आप अपने हाथों के साथ कर सकें, तो स्किल ट्रेनिंग हमने बहुत साल पहले हॉबी क्लब्स के नाम से शुरू की जो अब मेकर स्पेसेस कहलाती हैं, और मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पर ये उस वक्त थी नहीं, हमने 1980s में ये शुरू की, और बच्चों को हमने कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोग्राफी, आर्ट, क्राफ्ट, मैकेनिक्स, एरोनॉटिक्स ये हॉबी सिखा के और उनको बुक नॉलेज के साथ जोड़ा, तो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे आप फोटोग्राफी में सीख सकते हैं, अगर आप तस्वीरें खींचते हैं आपको लाइट का समझ आती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हमने प्रोजेक्ट्स ऑन द गो एक बस शुरू की हुई है मोबाइल अगेन, और वो मेकर स्पेसेस की है, वो स्कूल्स में जाती है, और हम ये चाह रहे हैं कि ये एक मॉडल बन जाए जो और लोग भी उठाएं, जो हुकूमत भी उठाए। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स शुरू करते, क्योंकि बच्चियां अक्सर जब अपना मैट्रिक भी कर लेती हैं उसके बाद डिग्रीज भी ले लेती हैं तो वो बहुत कम निकलती हैं घर से बाहर काम करने के लिए, टू जॉइन द वर्क फोर्स। हमारा ये था कि अगर बच्चियां तालीम अपनी इस्तेमाल करें घर में,
एंड दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स, छोटी छोटी ऑनलाइन बिजनेसेस सेटअप कर लें, अगर किसी चीज़ में स्किल हासिल करती हैं, अगर दे आर क्लेवर एट समथिंग, तो देन वी वांट टू टाई देम अप विद मेंटर्स, क्या बात है, हां बिल्कुल, पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल इन द फील्ड, एंड आई वुड रिक्वेस्ट योर हेल्प देयर एज वेल, भी नहीं होते उनके पास, तो ये दे कैन लर्न एंड दे कैन, सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी नोवल, वेरी न्यू, एंड वी वांट के ये you know it should sort of spread a lot in the country. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, because ऐसे initiatives की भी actually need दरअसल, और हमें पता ही नहीं होता, हम शायद उन issues पे focus कर बैठते हैं जो हमारी society के लिए भी overall ज़रूरी होते हैं, लेकिन वही बात होगी rating की दौड़ में एक ही चीज़ को रगड़े जाते हैं, but these initiatives are the actual initiatives जो कि हमारी नई नस्ल को परवान चढ़ा रहे हैं. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद इनसे बात करेंगे. वेलकम बैक, और मेरे साथ मेरे डिस्टिंग्विश मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने किताब भी लिखी ब्लू इकॉनमी के ऊपर, सो एक्चुअली किस तरह की इकॉनमी को आप दिखाना चाह रहे हैं आवाम को? पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी फ्रजाइल है. सर ये तो मैं तब से सुन रही हूँ जब से मैंने होश संभाला है. जब से आपने होश संभाला है, मेरा ख्याल अगर हम ब्लू इकानमी की तरफ देखना शुरू करें तो दैट इज़ द आंसर. एंड ब्लू इकानमी इज़ वो इकानमी है जो रिलेटेड टू सी है. अल्लाह ताला ने जो ख़जाने रखे हैं समुंदर में, अगर हम उनको निकालें, उनको यूज़ करें, तो उससे जो पैसे जनरेट होंगे दैट इज़ ब्लू इकानमी. इसमें आपके शिप मेकिंग भी है, शिप ब्रेकिंग भी है, शिप इंडस्ट्री पूरी इसमें आ जाती है, पोर्ट्स आ जाती हैं, हार्बर्स आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ द पूरी की पूरी जो आपकी कोस्टल बेल्ट है वो आ जाती है, मैरीटाइम टूरिज्म आ जाता है, फिशरी आ जाती है. इन तमाम सेगमेंट्स से वट एवर द अर्निंग विल बी देयर, उस सारी अर्निंग को हम ब्लू इकॉनमी के नाम से जानते हैं. इस पे काम करने की ज़रूरत है. इवन इसकी इम्पोर्टेंस का तो आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं, गवादर का जो हुआ, नोबडी बिलीव दैट, बट सी पैक आने के बाद गवादर की इम्पोर्टेंस इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो डीपेस्ट पोर्ट इन द रीजन इज गवादर पोर्ट. ये जो ही ऑपरेशनलाइज होगी फिर आपको रियलाइज होगा कि इस पूरे खत्ते में बहुत सारी पोर्ट्स हैं, सलाला में भी हैं, ओमान में भी हैं, आप देखें आगे ईरान में भी हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं सब, बट दिस इज़ द डीपेस्ट पोर्ट्स. डीपेस्ट पोर्ट का मतलब है कि बड़े जहाज़ यहाँ आ सकते हैं. जब बड़े जहाज़ लगेंगे तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये बनेगी, यानी बड़े जहाज सारा लेके जो है कंटेनर्स यहाँ आएंगे, यहाँ से छोटे शिप्स लेके जाके डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इसके जो रेवेन्यू अर्निंग होगी वो पाकिस्तान के खजाने में जाएगी. क्या बात है. और इस तरह की एक नहीं, अगर आप मुझसे पूछें जो पाकिस्तान की कोस्ट है, कम से कम उसके ऊपर 14 नई पोर्ट्स बन सकती हैं. और आपको सरप्राइज होगा कि 1882 में पहली पोर्ट बनी कराची पोर्ट ट्रस्ट, उसके बाद देयर इज ए लॉन्ग गैप. 70s में आके भुट्टो साहब ने फिर दूसरी पोर्ट बनाई पोर्ट कासिम, तीसरी पोर्ट मुशरफ साहब के दौर में बनी 2003 में. अब इनका गैप देखें कितना, मेरे ख्याल अर्लियर इज़ बेटर. यू नो पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है समुंदर में वो 290,000 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज बिगर देन एंटायर पंजाब एंड के पी के, इतना बड़ा इलाका है. इसमें सारे खजाने जो वो हमारे हैं, वो मेरे और आपके हैं, उनमें उसके निकालने, उनको वैल्यू ऐड करें, उसको एक्सपोर्ट करें, और जो हमारी फ्रजाइल इकानी में इसका ये जवाब है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू नो वी आर ए मैरीटाइम नेशन, इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं हमें अंदाजा ही नहीं है. हमें यही नहीं पता कि मैरीटाइम नेशन होने के फ़ायदे क्या हैं. तो जो कुछ अल्लाह ताला ने वहाँ पे हीरे जवाहरात रखे हुए हैं वो निकालने हैं हमने. ये कुरान पाक में भी आपको पता है इसका जिक्र है कि आप जाएं और समुंदर में तलाश करें, इस्तेमाल करें वो, लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे. इसी तरह जो हमारी शिप इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्री है, वो देयर वाज अ टाइम जो मर्चेंट शिप्स हैं, अगर 70s में मुझसे पूछें तो 74 के करीब शिप्स थे हमारे पास, आज 11 शिप्स हैं. इसका मतलब हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं. अगर हम उससे शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो गुडानी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री वाज क्वाइट फेमस इन द वर्ल्ड, और हाईएस्ट एशिया में पाकिस्तान के पास शिप ब्रेक होते थे. अब वो चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है, बांग्लादेश नंबर 3 पे है, श्रीलंका, पाकिस्तान आ रहा है. आई थिंक इसे तवज्जो देने की जरूरत है. बिल्कुल, अगर ये चीज़ें मौजूद है, गलत प्रायोरिटीज एक्चुअली सेट करने की ज़रूरत है. लेकिन अक्सर सैडली हम देखते हैं कि जो हमारे मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर भी होते हैं, मुझे लगता है कि मैंने करंट अफेयर्स बहुत अरसा किया है, सो आई नेवर सीन कोई ऐसा ब्रेक थ्रू काम किया हो इस मिनिस्ट्री ने, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इतना डिक्लाइन की तरफ जा रहा है. सो वी एक्चुअल नीड द प्रैक्टिकल स्टेप्स. अच्छा बसारत साहब, अलिफ लैला आपने बना तो दी, बसेस चल रही हैं, कैमल्स के ज़रिए, बाइक्स के ज़रिए, रिक्शाओं के ज़रिए तालीम आम आप कर रही हैं, बट एक्चुअली
जब बच्चे जो बड़े हो रहे हैं बिकॉज बहुत दिनों अरसे से ये चल रहा है, सो वो खुद भी आके वॉलंटियर करते हैं फिर? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कुछ बच्चे जो बाहर भी चले गए हैं, अब क्योंकि सोशल मीडिया का वक्त आ गया तो फिर कॉन्टैक्ट हो जाता है। अभी रिसेंटली एक साहब ने मुझे डायलस से लिखा कि मैं छोटा था और मुझे ये कभी भी नहीं भूलेगा कि मुझे चिकन पॉक्स था, तो मेरी वालदा आई और लाइब्रेरी से मेरे लिए किताबें लेके गई। एंड देयर इज़ अ डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड आई ओ टू अलिफ लैला बिकॉज वो मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर गया। तो ये बहुत सेंसिटिव कहानियाँ हैं, इसकी सक्सेस स्टोरीज बेहद और बेशुमार हैं। बेसिकली हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास आए और अलिफ लैला के दरवाजे खोल के अंदर दाखिल हो, तो एक उसका रिश्ता अलिफ लैला के साथ कायम हो जाए हमेशा के लिए, क्योंकि ये किसी की तो मिल्कियत नहीं है, ये तो बच्चों की चीज़ है। तो बच्चे जितना उससे ज़्यादा ले सकें, फिर जो हम काम वहाँ पे करते हैं हम इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा फरोग देते हैं। अलिफ लैला इटसेल्फ इज़ अ नेम ऑफ इमेजिनेशन। एब्सोल्युटली। सो टू फॉस्टर द इमेजिनेशन, वो जो कैमल्स भी हैं उन सब के हमने नाम रखे, और इसी वजह से मेरे ख्याल में वो प्रोजेक्ट लोगों को इतना अच्छा लगा। रोशन भी है, रोशनी भी, वो रौनक भी है, खुशी भी है, अमन है, मशल है, उम्मीद है, तो वो लिंकेजेस बन जाते हैं। अच्छा मैम, ये जो कैमल और रिक्शा और बाइक्स के ज़रिए आप बुक बैंक चला रही हैं, एरियाज़ किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? बिकॉज होता है ना, टारगेट करते हैं हम लोग, वो किस तरह करती हैं? हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जहाँ पर बच्चे हैं, क्योंकि हमने कोई वो उस तरह की हम तो डेटा कलेक्ट करते हैं सिर्फ देखने के लिए कि बच्चों कितने बच्चों तक हम पहुंच सकते हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं होता। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो आजकल लोग सब कहते हैं कि बच्चों को किताब से कोई उंस नहीं है, वो अलग हो रहे हैं, मेरे ख्याल में जब चीज़ें फराहम करते हैं ना आप, जब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो उठा लेते हैं बच्चे। और थोड़ा सा अगर आप उनको ले जाएँ किताब की तरफ, अगर पहले उनको सुना दें किताब और फिर उनको दिखा दें। मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे जो बिल्कुल पढ़ नहीं सकते थे, उन्होंने जब देखा कि इतनी ज़्यादा किताबें मौजूद हैं तो उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने चाहा कि वो पढ़ें। बच्चे नहीं पढ़ सकते बट पिक्चर्स ही देख देख के कहानी खुद बना लेते हैं कि यूं हो रहा है। बिल्कुल। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो अभी आप बात कर रही थी ना, हम वी नीड टू बी अ नेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर्स। हमें देखना है कि जो जो मुश्किलात हैं, और हमारी इस वक्त बेहद मुश्किलात हैं, लेकिन उनको हम अपने हाथों में पकड़ें, उनको देखें, समझें और उनके हल तलाश करें। जब तक हम हल तलाश करना नहीं सीखेंगे, और इसी वजह से जो हॉबी क्लब्स बहुत अहम हैं वो ये कि बच्चा अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता है और वो गलत हो जाता है तो वो देखता है, उसको तोड़ता है, फिर से बनाता है, देखता है क्या मेरी गलत हो गई इसमें चीज़ और इसको मैं कैसे सही करूं। दैट्स द सॉर्ट ऑफ थिंकिंग वी नीड इन पाकिस्तान राइट नाउ। वी नीड टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर्स। एंड हमें ये नहीं देखना कि कोई बाहर से आके हमारा मुल्क ठीक करेगा, हमने खुद इसको ठीक करना है, तो खुद इसके हल हमने तलाश कर। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताइएगा डॉक्टर साहिद साहब, लाइब्रेरीज और तालीम अपना पैशन है, बेसिकली आई डूइंग दैट, बट वो ऐसा कौन सा गोल है जो आप चाहते हैं कि मैंने ये ज़रूर अचीव करना है एंड यू आर क्लोजर टू इट? प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब फरमाते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है ये ह्यूमनाइजेशन की एक फैक्ट्री है, ये इंसान साजी की एक फैक्ट्री है। हमने इस फैक्ट्री में, अगर मैं इसको हेड कर रहा हूँ, आई एम सीईओ ऑफ दिस फैक्ट्री राइट, हमने यहाँ से इंसान साजी ऐसी करनी है। आज जो हम ब्लेम करते हैं कि पॉलिटिशियन ठीक नहीं है, ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है, रेड टेपिज्म, ये बच्चे जब आएंगे सोसाइटी में, ये जब इन पोस्ट पर बैठेंगे, रेड टेपिज्म आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर पीपल विल से कि जी जो अब की आदत आई है ये ठीक पढ़े लिखे लोगों के। हमारा फोकस बच्चों पे ये है कि वो एक बाकिरदार पाकिस्तान के यूज़फुल शहरी बन के यहाँ से निकले। तो हमारी इंसान साजी के ऊपर एक्चुअली हमारा जो फोकस है, एंड आई एम श्योर कि वी आर अचीविंग दैट टारगेट। वो कैसे है? देखें, अभी बड़ा महंगाई का दौर है, बहुत सारे बच्चे जब आते हैं या उनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, फीस नहीं दे सकते। तो जनरली हर यूनिवर्सिटी में दो या तीन होते हैं जिस पर आप स्कॉलरशिप बच्चों को दे देते हैं, नीड बेस पर दे देते हैं उनको, या ग्रेड्स के ऊपर देते हैं, स्पोर्ट्स पे दे देते हैं। हमारे कुछ 10 ऐसे सेगमेंट्स हैं जो हम कम्पिटेटिव एग्जाम करवाते रहते हैं, उस पे भी जो टॉप करता है उसको भी हम कहते हैं नहीं, आप स्कॉलरशिप हम आपको देंगे, आप पढ़ें बस। आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। मैं बड़ा सेटिस्फाई फील करता हूँ जो आपने वन गोल मुझे कहा है, जब मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ,
मुझे पेरेंट्स आके कहते हैं, खासतौर पर बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं, जितनी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट इस यूनिवर्सिटी में वो किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं। एक लड़का यंग बॉय केम टू आर एडमिशन ऑफिस, उसने कहा जी मैं अपनी सिस्टर का दाखिला करवाने आया हूँ। तो सारा प्रोसेस चलते चलते उसको पूछा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसने कहा जी मैं तो फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो हमने क्या अपनी सिस्टर का दाखिला वहाँ क्यों नहीं करवाते, उनका नहीं नहीं सर जो माहौल आपकी यूनिवर्सिटी में है ना लड़कियों के लिए, ये किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं। तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ वहाँ नहीं मैं करवा सकता, ये मेरी सिस्टर है इसलिए आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ये वो इन्वायरमेंट है जो पाकिस्तान में क्रिएट करने की ज़रूरत है, ये वो हमारा एम है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम बच्चे इस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में तैयार करके यहाँ से भेजें कि पेरेंट्स खुद चल के आए हमारे पास और आगे कहेंगे जी हमारा बच्चा आपके हवाले है। अच्छा सर, जो आपने परमानेंट सब्जेक्ट की बात की, जो हर डिग्री में आप ऑफर करते हैं तरबियत के मामले में, उसमें क्या कुछ सिखाते हैं? लाइफ एंड लर्निंग मैडम, बेसिकली वी टेल हाउ टू स्पेंड लाइफ, पूरी ज़िंदगी आपने कैसे गुजारनी है। हमारा फोकस उस डिग्री पे नहीं है, पूरी लाइफ पे है बच्चे की। मैंने कहा ना उसको तस्मे बांधने से लेकर ड्रेस पहनने तक, टाई लगाने से स्टार्ट करते हैं हम, उसको खाना खाना, उनको नाइफ एंड फोक पकड़ना सिखाते हैं हम, उसको इंटरव्यू देना सिखाते हैं हम, उसको CV बनाना सिखाते हैं। और जब आप एक जगह ज्वाइन कर लेते हैं, देखें एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं होती जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं, कोई भी जाके वहाँ पे बड़ी अनकंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, उसमें सर्वाइव कैसे करना है आपने, ये हम उनको सिखाते हैं। अगर आप समझते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ यू नो लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज, जब आप यहाँ से पास आउट होते हैं, जब आप ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, वो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हम ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर में बताना शुरू कर देते हैं बच्चों को, ये कोई नहीं बताता आपको, बिकॉज पीपल फील कि जिस दिन आप ग्रेजुएट हो गए यू नो यू आर ए किंग, बट जब आप बाहर आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा एक झटका लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम मेंटली तैयार करते हैं अपने बच्चों को, जब आपने सोसाइटी में प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है तो आपको क्या प्रॉब्लम्स होंगी, बिल्कुल सही, जब आप मैरिड होंगे तो मैरिड लाइफ के बाद क्या प्रॉब्लम्स होंगी, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे क्या प्रॉब्लम्स होंगी, और जब आप टॉप पोजिशंस पर आएंगे तब अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स को कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ें हम उनको सिखाते हैं इस सब्जेक्ट के। अच्छा मैम, व्हाट्स न्यू इन अलिफ लैला, व्हाट्स यू आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस इन अलिफ लैला मोर? एवरीथिंग इज न्यू देयर, एवरी न्यू डे दैट डॉन्स वी ब्रिंग इन फ्रेश आइडियाज। हमारे यहाँ कॉन्स्टेंटली जब मीटिंग्स भी होती हैं तो वी आर बेसिकली लुकिंग एट आइडियाज। जो असल हमारा गोल है वो ये है कि पाकिस्तान भर में छोटे बड़े कुतुबखाने फैल जाएं, चाहे मोबाइल हो, चाहे स्टेशनरी हो, चाहे दुकानों के अंदर बुक किताबों के रैक्स हो, ताकि किताबें इतनी मौजूद हों कि हमारे लोग पढ़ते रहें, और जब पढ़ेंगे तो फिर जैसे पहले भी मैंने कहा कि फिर वो खुद ही रास्ते भी ढूंढ लेंगे और इंशाल्लाह ताला एक बहुत बेहतर मुल्क की तामीर भी करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ बड़ी ज़रूरत है हमें इस तरह की बुक्स के। अच्छा, लोग वॉलंटियर भी करते हैं फिर आके बुक्स देते भी हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इतने बच्चों ने आके अपनी पूरी लाइब्रेरीज़ जब वो बड़े हो गए उन्होंने आके दे दी हैं, बच्चे आके अपने खिलौने दे जाते हैं, बिकॉज़ हम चाहते ये हैं कि जो किताबें हैं उसके बारे में बच्चे खुद ही अपनी पपेट शोज़ बनाएँ, रोल प्ले करें, तो बहुत से खिलौने भी आते हैं, तो वो लिंकेजेस हैं। We need to keep the mind alert and we need to make our children see possibilities that did not exist for them. तो आप लोग गवर्नमेंट स्कूल्स भी जाते हैं? सब जाते हैं वही वहीं तो काम है ज़्यादा करने का और वहीं पे हम करते हैं। और आप आइए अलिफ लैला, आप देखिए, और उधर से जैसे आप कह रही थी प्रोग्राम भी कीजिए ताकि सब लोगों को मालूम हो, क्योंकि ये मीडिया का बहुत फ़ायदा ये है कि गिलगित में कोई देख ले ये प्रोग्राम, स्कर्दू में देख ले, सिंध में, इंटीरियर्स में देख ले, बलूचिस्तान में देख ले, वो वहाँ पे इस तरह का काम शुरू करते। हमें तो काम बढ़ाना है, बिकॉज इस पे कोई पेटेंट तो है नहीं, कॉपीराइट तो है नहीं, कॉपीराइट आप काम करें जनाब, और सिर्फ तालीम फैलाइए, यही मोटो है मैम बसारत का भी, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता था, मैंने तो सिर्फ एक पिक्चर एक बस की देखी एंड आई वांटेड कि मैं इसके ऊपर एक शो करूँ या जानूँ कि एक्चुअली ये है क्या। सो वाकई अलिफ लैला की एक अलग ही दुनिया है आपकी बस, एंड आई वुड श्योरली विजिट समडे, और मैंने रोबोटिक्स देखने भी लाजमी जाना है, मैं भी चाहती हूँ मुझे भी कोई रोबोट बुक ला के दे सो आई कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट कि वो क्या एक्सपीरियंस होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका,
और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बिकॉज़ जो फैक्टर इन्होंने बताया कि तालीम के साथ साथ तबीयत बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के जो वायरसेस हमारे बच्चों को लग रहे हैं और जिसकी वजह से एक मॉरल और एथिकल डिक्लाइन अक्सर हम नोट भी कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं वो बहुत डिसअपॉइंट करती हैं, दिल तोड़ देती हैं आपका। सो अगर ये तरबियत भी कर रहे हैं, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा भी कर रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया जो भी कर लें, जो मर्ज़ी वार डाल दें, एक बच्चा, एक नौजवान, एक नौजवान तालिबा जो हैं वो अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे। और एक्चुअली वी नीड दैट, और एक किताब के ज़रिए भी ये हो सकता है। तो इन दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, बट आपने कहीं नहीं जाना, आपसे हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, और अब चलेंगे अपनी सही इंस्पायरिंग वुमेन की जानिब। तो जनाब मेरे साथ आज जो इंस्पायरिंग खातून मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर बिस्मा एजाज साहिबा। बेसिकली शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, हेड ऑफ एक्टिव सिटीजन प्रोग्राम, लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, काउंसलर भी हैं, रिसर्चर भी हैं। अपने जो इनका करियर था एज अ स्टूडेंट उसमें शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट और सिविल मेडलिस्ट इन अप्लाइड साइकोलॉजी, PhD भी इन्होंने कर रखी है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके अलावा इन्हें अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड भी मिला है बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइकोलॉजिस्ट कैनेडा की जानिब से, और अभी ये एज अ टीम लीडर BS अप्लाइड साइकोलॉजी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट अंडर QEC मेम्बर कारिकुलम रिव्यू कमेटी भी हैं, मेम्बर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स कमेटी भी हैं और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हैं। इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है जनाब रिसर्च के अंदर, 15 से ज़ायद पब्लिकेशंस इनके पब्लिश हो चुके हैं और भी बहुत सा काम कर रही हैं। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर भी हैं और एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो। सो पहले तो मुझे ये बताइए कि अक्सर मर्द हजरात ये कहते हैं कि ख़वातीन को दिमागी प्रॉब्लम होती है और उन्हें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए अक्सर जब भी लड़ाई झगड़ा हो। सो बेसिकली यू आर अ सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, सो हैंडल कैसे करती हैं इस मिथ को? थैंक यू सो मच इकरा फॉर सच अ गुड इंट्रोडक्शन। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरे पास इतना कुछ है जो आपने यहाँ पे ऑडियंस के साथ शेयर किया। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, यू आर सेइंग कि लोग ये परसीव करते हैं कि ख़वातीन जो हैं उनको शायद कुछ ज़हनी मसाइल होते हैं जिनके लिए उनको इलाज करवाना ज़रूरी है। ज़हनी मसला जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है, इट्स नॉट यू नो डेफिनेट दैट जो विमेन हैं या ख़वातीन हैं वही सिर्फ इससे दो चार होती हैं। हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे जवान, हमारे मर्द, हर तरह की कम्युनिटी जो है उसमें कोई भी इक्वली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से किसी तरह के भी ज़हनी मसले का शिकार हो सकता है। तो ज़हनी मसले से शिकार होना कोई डिलेमा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कहें कि ये बहुत ज़्यादा शर्म वाली बात है, क्योंकि आपको अगर फीवर होता है या फ्लू होता है तो ये एक जिस्मानी बीमारी है, फिज़िकल एलिमेंट है। जब आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं तो ऑब्वियसली जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो भी अपसेट हो सकती है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन अ लाइक थिंग जिसको आप कहते हैं कि जी ये जोक है या कोई ऐसी चीज़ है जिसका मजाक बनाया जाए, इसको सीरियसली लेना ज़रूरी है। और जहाँ तक ख़वातीन की हेल्थ का ताल्लुक है तो वो इसलिए ज़्यादा यू नो लाइमलाइट में आ जाते हैं बिकॉज मे बी ख़वातीन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इवन इफ़ यू कंसिडर अ वर्किंग वुमेन तो उसको बाहर घर से भी उतना ही काम करना है जितना उसको घर में काम करना है, अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है, अपने सोशल सर्कल में भी मूव करना है। तो मे बी वो ज़्यादा इस वजह से साइकोलॉजिकल इलनेसेस या साइकोलॉजिकल जो है हैज़र्ड्स हैं उनका शिकार हो जाती हैं। तो कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, एवरी पर्सन हैज़ अ प्रोबेबिलिटी एंड एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू बी ट्रीटेड। बिल्कुल सही। अच्छा, एक्टिव सिटीज़न प्रोग्राम बेसिकली है क्या? बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आवाम को पता चले कि ऐसे प्रोग्राम्स अगर यूनिवर्सिटी में इनिशिएट होते हैं और आप उसे हेड भी करिए, सो बेसिकली व्हाट्स एक्टिव सिटीज़न प्रोग्राम इज़ वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट। बेसिकली इट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क जो हमारी यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो तकरीबन 10 साल से कर रही है। 2012 में हमारी यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश काउंसिल की कोलैबोरेशन से एक्टिव सिटीज़न प्रोग्राम जो है मिस साइमा असगर रियाज और मिस असमा फ़खर, उस वक्त डॉक्टर सबीहा मंसूर हमारी वाइस चांसलर होती थी, उनके टाइम में ये लॉन्च किया गया था। एंड इट्स बीन 10 ईयर्स कि ये LCWU जो है इसमें अपना काम कर रहा है। बेसिकली हमारे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं BS लेवल पे वो कम्युनिटी सर्विसेज में 100 आवर्स क्रेडिट आवर्स कम्प्लीट करते हैं। दे फर्स्ट गेट द नॉलेज अबाउट द थियरी ऑफ एक्टिव सिटीज़न
अकॉर्डिंग टू फोर मॉड्यूल्स एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो 100 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो अपने कम्युनिटी में जाके उस काम पे पूरे करते हैं. बिल्कुल सही. जब वो कंप्लीट करते हैं उनकी असेसमेंट होती है, उनकी इवैल्यूएशन होती है ब्रिटिश काउंसिल की टीम के सामने, और ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से उनको एक्टिव सिटीज़न का एक सर्टिफिकेट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, विच इज़ अ रेनाउंड सर्टिफिकेट एंड इट इज़ यू नो वर्ल्ड वाइड उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. बच्चे बाहर इंटरनेशनली अगर एडमिशन लेना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो ये 100 क्रेडिट आवर्स का जो उनका जो उन्होंने कम्युनिटी सर्विस किया उसकी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है और उसको उनको मार्क्स दिए जाते हैं. सो बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्ट वर्क जो बच्चे करते हैं, और यू नो इसके साथ जो ज़्यादा फ़ायदे अटैच हैं वो ये कि ना सिर्फ वो कम्युनिटी सर्विसेज करते हैं बल्कि इससे उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग जो है वो नज़र आती है. तो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं हर साल तकरीबन 600-700 बच्चे जो हैं वो प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, और इट्स बीन लाइक अब तक तो लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं हमारी यूनिवर्सिटी के वो ये सर्विसेज कर चुके हैं. बिल्कुल सही. अच्छा मुझे ये बताइएगा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है एक्टिव सिटीजन प्रोग्राम, हम अक्सर हुकूमती इदारों पर रियलाइजेशन डाल देते हैं वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिटी एफर्ट्स होती हैं, सो किस किस किस्म के कम्युनिटी प्रोग्राम्स अब तक हो चुके हैं सक्सेसफुली आप इनिशिएट करवाते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. जैसे सोशल वर्क डिपार्टमेंट अगर है उनके स्टूडेंट्स हैं तो वो ऐसी कम्युनिटी में जाके वर्क करना पसंद करेंगे और वहाँ पे अपने क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करेंगे विच इज़ क्लोजर टू सोशल वर्क, राइट. हमारे बच्चे जो हैं स्लम एरियाज़ में भी काम करते हैं जाके, हमारे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वेलफेयर का काम भी करते हैं, हमारे बच्चों ने कम्युनिटी की सफाई सुथराई का काम भी किया है, प्लांटेशन का काम भी बहुत ग्रैंड लेवल पे किया है. अभी रिसेंटली इस साल हमारी यूनिवर्सिटी में जूलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बटरफ्लाइज को एक बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट देने के लिए हैबिटेट क्रिएट किया, और यू वॉन्ट बिलीव कि वहाँ पर एक्चुअली बटरफ्लाइज जो अब हमें लाहौर में कहीं पर नज़र भी नहीं आती, दे स्टार्टेड टू कम देयर एंड दे हैव बीन देयर, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में वो जो एनक्लेव है वो बनाया गया. इसके अलावा वॉल ऑफ काइंडनेस, वॉल ऑफ बुक्स जो है उसके हिसाब से बहुत सी ऐसी एजुकेशनल लेवल पे भी कम्युनिटी सर्विसेज की जाती हैं, स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं उनके साथ कम्युनिटी सर्विसेज की जाती हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन द नीड विच इज़ बेसिकली असेस्ड इन द कम्युनिटी. जब नीड असेसमेंट की जाती है तो फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सेटअप किए जाते हैं और फिर उस पर वर्किंग करके उस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की जाती है. ठीक है. अच्छा यू आर अ सिंगल मॉम, राइट? यस. तो ये जो एक टैबू होता है टू बी एक सक्सेसफुल और उसके बाद अपनी पूरी एनर्जी, जारी बात है एक अपने आप बच्चों को एक परवान चढ़ा रहे हैं, एक मुआशरे का बेहतरीन शहरी बना रहे हैं, बीइंग अ टैबू आप समझती हैं? चूँकि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप जानती हैं सोसाइटी का रवैया कैसा होता है और स्पेशली मेल डोमिनेंट सोसाइटी में कैसा होता है, सो हाउ यू ब्रेक दैट बैरियर इन योर लाइफ? अच्छा, इसके बारे में इकरा आई वुड लाइक टू शेयर सम डिटेल्स विद यू. आई हैव बीन अ सिंगल मॉम लाइक सिंस लास्ट 8 years. माई डॉटर इज़ इन सेकेंड ईयर राइट नाउ एंड माई सन इज़ इन 10th standard. आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को एक टैबूड वर्जन के तौर पे लिया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझ जैसी वो ख़वातीन जो इस तरह की सिचुएशन से गुजरती हैं वो असल में अपनी एम्पावरमेंट का एहसास ही उनको तब होता है जब वो इस सिचुएशन में आती हैं. एग्जैक्टली. और मेरे हिसाब से इफ़ पीपल आर लिसनिंग टू मी तो मैं ये कहूँगी कि इस चीज़ को बिल्कुल भी अपने ऊपर एक टैबू के तौर पे नहीं लेना चाहिए. मेरा ख्याल है कि वो बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की फैमिलीज़ में ब्रॉट अप होते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो चुके हों, वो आम बच्चों से ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाता है एंड दे आर मोर रिजिलियंट. उनके अंदर इस सोसाइटी को फेस करने का एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है उनके अंदर, एक लाइक दे आर इन अ पोजिशन ऑफ डू और डाई एंड दे प्रेफर डूइंग. वो फाइट करते हैं, दे डोंट फ्लाई. तो माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो इसी स्पिरिट से आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड दे आर यू नो माई लेफ्ट एंड राइट हैंड्स, मेरे विंग्स हैं वो, मेरे पर हैं वो, और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हाँ मेरा बेटा और मेरी बेटी जो हैं दे हैव मेड मी प्राउड एंड सेम इज़ द केस विद देम. तो अब मेरा ख्याल है कि ज़माना जो है वो बहुत बदल चुका है. मैंने आपसे जो बात की कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, वो इसलिए बताना चाहूँगी कि मैंने अभी जैसे आपको बताया 8 साल सिंगल मदर की तरह से अपने बच्चों की परवरिश की है, ब्रॉटअप किया है, लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ख़वातीन की इज़्ज़त करना जानते हैं
और ख़वातीन को ड्यू राइट देते हैं. सो दैट्स वाई आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर एंड आई हैव अ कंपेनियन राइट नाउ जो कि मुझे सपोर्ट करता है बहुत अच्छे तरीके से मेरे बच्चों की परवरिश में, उनको उस तरीके से डील करता है जिस तरीके से मैं चाहती थी कि उनका फ़ादर करे. तो मेरे जैसी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो एक एग्जाम्पलरी फिगर के तौर पे हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग फॉर योर राइट, इफ़ यू आर डूइंग वॉट एवर इज़ राइट फॉर योर किड्स, तो आपको देखने वाले, आपसे इंस्पायर होने वाले लोग मौजूद होते हैं एंड दे डू गिव यू रिस्पेक्ट फॉर दैट. सो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. कोई किसी दुनिया में किसी खातून के साथ, किसी भी मर्द के साथ, किसी लेवल पे भी कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन आ सकती है. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम देम, जस्ट फेस इट एंड यू विल प्रूव योरसेल्फ. अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप, ये जो इनर पावर या इनर स्ट्रेंथ की बात होती है, सो बेसिकली ख़वातीन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड टू बी अ कॉम्प्रोमाइजिंग फिगर और आपको ही सब कुछ करना है. सो बीइंग टीचिंग इन द वुमेन यूनिवर्सिटी, आपकी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जितनी बच्चियां हैं, ऑब्वियसली देयर इज़ अ सेंटर हु वर्क्स ऑन देयर मेंटल हेल्थ, बट आपको लगता है कोई ऐसी डिपार्टमेंट या ऐसी डोमेन होनी चाहिए वेयर यू कैन गाइड देम फॉर द सोशल इशूज़ एज वेल कि हाउ टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर वन? बिल्कुल होना चाहिए. और हमारी यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलिंग सेंटर के नाम से एक पूरी एक सेंटर है जहाँ पे जो मौजूद है, जहाँ पे सर्टिफाइड वेरी ट्रेंड एंड वेरी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट्स आर देयर टू एड्रेस द स्टूडेंट्स इश्यूज, चाहे वो पर्सनल इश्यूज हैं, वो एजुकेशनल इश्यूज हैं, वो सोशल इश्यूज हैं, एनी काइंड ऑफ थिंग अ स्टूडेंट इज़ गोइंग थ्रू, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अ स्टूडेंट इज़ गोइंग थ्रू, दैट इज़ प्रॉपरली बींग एड्रेस देयर. आप देखते हो कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, ओवरऑल बात करूँगी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आने की वजह से जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, जल्दी डिप्रेशन या एंग्जाइटी के जो प्रॉब्लम है उसका फेस करना शुरू करते हैं. और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हिम्मत हारने की वजह से सुइसाइडल आइडिएशन की तरफ चले जाते हैं या इवन सुइसाइड कमिट भी करते हैं. तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा सेंटर मौजूद है जो स्पेसिफ़िकली इन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको उनको उनके साथ बैठ के काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं एंड वी आर डूइंग वंडर्स इन इट. अच्छा, अभी कुछ अर्सा पहले मेरी नज़र से भी खबर गुजरी, बिकॉज आई वॉन्ट नेम द यूनिवर्सिटी, बट ऑन गोइंग सेशन में एक बच्ची ने ऊपर से छलांग मार दी. सो इस तरह के जो वाकयात होते हैं जो खुद यूनिवर्सिटी में होते हैं, ऑब्वियसली वो हैरासमेंट और फियर फैक्टर बच्चियों में बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं. हाउ यू ट्राई टू ओवरकम? थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ करना पसंद करूँगी कि देर आर मल्टीपल इशूज अ पर्सन इज गोइंग थ्रू. एक स्टूडेंट है, उसकी ज़िंदगी में ये यू नो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी तरफ अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है ना, तो वो एजुकेशनल प्रॉब्लम की वजह से उसकी लाइफ में अपसेट सिचुएशन है. बट ऐसा नहीं है. जिस बच्ची का आप जिक्र कर रही हैं, उसके मसाइल कुछ और थे जिसकी वजह से वो सुइसाइड उसने कमिट की. इट वॉज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल एस्पेक्ट. उसके पर्सनल इशूज थे और उसने एक यू नो अपॉर्चुनिटी उसको मिली जो कि बहुत गलत था. और समटाइम्स फैक्टर इज समवेयर एल्स, लेकिन वो नज़र ये आ रहा होता है कि शायद किसी टीचर ने कोई स्नैप किया या किसी टीचर ने कोई प्रेशराइज किया, ऐसा कुछ भी नहीं है. अच्छा, ये जो सोशल मीडिया है जहाँ पर वंडर्स बहुत बहुत करता है, वहाँ पर वबाले जान भी है. सो बीइंग अ मदर इटसेल्फ और बीइंग अ टीचर टू, आप क्या समझती हैं कि किस तरह एक वॉल क्रिएट करें जहाँ पर वॉल के पीछे रहकर वो कहते हैं ना कि आप सोने का निवाला खिलाएं और शेर की आंख से देखें, बट इट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट एट दिस एज. सो वो किस तरह करना चाहिए बीइंग अ टीचर? मेरा ख्याल है ये जो बात आपने अभी की है ना, ये आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे किया, बिकॉज आई गेस यू ऑल्सो आर अ मदर एंड यू नो हाउ टू यू नो मैनेज अ किड. मेरे बच्चे जिस एज डोमेन में हैं उसमें ये आप सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है. मेरे बच्चों को दोनों को बहुत शौक भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने का और उसको यूज़ करने का. बट व्हाट आई हैव डन इज़ मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ इस तरह से बात करती हूँ जैसे एक दोस्त के साथ बात करती हूँ, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ. ऑन द लॉजिक्स, ऑन द रियलिटीज़ एंड ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनीथिंग, किसी तरह के भी नुकसान क्या हैं, फ़वाद क्या हैं. और माशाल्लाह दे आर मेच्योर इनफ टू सी एंड दे आर लर्निंग आउट ऑफ इट. अगर आप अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर की तरह चलते हैं, उनके साथ एक दोस्त बन के रहते हैं, उनको अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाते हैं, और उसके बाद जैसे आपने कहा ना कि निवाला आप देते हैं अपनी तरफ से लेकिन आप नज़र जो है वो शेर की रखते हैं, बच्चों को ग्रो करने दें, बच्चों को एक्सप्लोर करने दें. आप सुपरवाइज़ ज़रूर करें लेकिन उनको होल्ड नहीं करें,
बिकॉज जहाँ पे आप कहते हैं जिस चीज़ से रोका जाता है उसकी जिसको कहते हैं क्रेविंग बढ़ जाती है कि आई शुड डू दिस, उसकी तरफ बच्चा जो वो ज़्यादा इंक्लाइन होता है. तो अपॉर्चुनिटीज़ हराइजन्स ओपन रखें, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस नॉलेज हर तरह की प्रोवाइड करें, सुपरविजन 110% रखें, लेकिन बच्चे को आगे जाने से रोकें नहीं. जहाँ पे बच्चा समझता है कि जी मैं ये चीज़ स्टेप गलत उठाने लगा हूँ, समटाइम्स चिल्ड्रन शुड लर्न थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंसेस. आप देखते हैं कि अगर बच्चा ये गलत कदम उठाने लगा है तो आप उसको समझाएं, लेकिन इतनी पोजिशन इतना मार्क रखें कि अगर गलत कदम उठा भी दे तो इतना नुकसान ना हो जितना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए. उससे भी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है. तो जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, एंटरटेनमेंट का सोर्स भी है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी बच्चों को डाल सकता. अच्छा, है आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हैं, सो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स वो कौन से होने चाहिए जो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर के लिए या फॉर अ सक्सेसफुल ग्रूमिंग पर्सनालिटी के लिए आप समझती हैं बहुत ज़रूरी है? सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बातचीत कैसे कर रहे हैं. कम्युनिकेशन में दिस इज़ नॉट ओनली द मीनिंग कि आप अपने मुंह से क्या अल्फाज का चुनाव करके इंतखाब करके उनको निकालते हैं. कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप जब किसी के साथ भी बात कर रहे हैं तो आपकी जेस्चर्स क्या हैं, आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसा है. बिकॉज इंस्पायर आप तभी करेंगे जब आपकी कम्युनिकेशन लेवल्स जो है वो स्ट्रांग होंगे. यू शुड बी यूजिंग स्ट्रांग एंड वेरी यू नो डेफिनेट वर्ड्स. आएँ बाएँ शाएँ जिसको कहते हैं ना, वो वाली बात जो है वो किसी पर भी असर नहीं डालती है. दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. कॉन्फिडेंस कैसे शो होता है? आपकी फुल अपीयरेंस से. जब आपको कोई पर्सन फर्स्ट टाइम देखता है तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, इज इट अ ग्रूम्ड पर्सनालिटी. आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, मे बी दे हैव सो मेनी सर्टिफिकेशंस, बट जब वो बात करते हैं या जब आप उनको देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इट डजंट गो विद देयर यू नो क्वालिफिकेशन. तो आपकी ग्रूमिंग भी उस तरीके से होनी चाहिए कि यू शुड बी अपीलिंग, यू शुड बी लुकिंग यू नो जितने क्रेडिट्स आपके पास हैं वो नज़र आने चाहिए कि हाँ दिस पर्सन होल्ड्स वेरी ट्रू. तो मेरा ख्याल है कि ये दो जो फैक्टर्स हैं ये अगर एक पर्सन की पर्सनालिटी में स्ट्रांगली कंसिडर करते हैं और लाए करते हैं तो बाकी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ वैसे ही अटैच हो जाती हैं. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिस्मा आपका. सो इंडीड शी इज़ इंस्पायरिंग वुमन फॉर लॉट्स ऑफ वन. अपने स्टूडेंट्स के लिए भी इंस्पायरिंग है, अपने बच्चों के लिए भी हैं और ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी इसलिए भी हैं बिकॉज शी इज़ अ स्ट्रांग वुमन और माशाल्लाह बहुत अच्छी एजुकेशनिस्ट भी हैं और कम्युनिटी सर्विस के लिए स्पेसिफिकली बहुत काम कर रही हैं जो मुझे लगता है आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया है बिकॉज हमें लगता है कि हमारा रोल सोसाइटी की तरफ या कम्युनिटी की तरफ उतना इंपॉर्टेंट हम समझते नहीं हैं और एक्सपेक्टेशंस एक ही साइड यानी कि हुकूमत से और इदारों से लगा लेते हैं जो कि गलत है. आपको भी तब्दील होना चाहिए और ख़ुद में तब्दीली की ताकत भी रखनी चाहिए. डॉक्टर बिस्मा का मैं करूँगी शुक्रिया अदा, बट आपने कहीं नहीं जाना, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक. तो जनाब मुझे जिन गेस्ट ने अब ज्वाइन किया है वो बहुत ही दूर से हमारे पास आ जाए हैं और लेकिन इनको बहुत सारे लोग पहचानते भी हैं, जानते इसलिए भी हैं क्योंकि हालिया इनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है. हमारी प्रोग्राम होस्ट है राफिया जो कि कैलाश गई और उन्होंने वहाँ जाके प्रोग्राम किया और अनाया के साथ एक वीडियो उन्होंने बनाई और वो वीडियो का क्लिप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वेलकम टू द शो अनाया. सो आज हमने सोचा अनाया को हम कैलाश की वादी से लेकर डिस्कवर पाकिस्तान की मॉर्निंग शो में ले आएँ. तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है. कैलाश का मौसम कैसा था अनाया? कैलाश का मौसम बहुत अच्छा था. सर्दी है क्या है? हाँ सर्दी है, बस जुलाई के टाइम थोड़ा गर्मी होती है, फिर एक महीना बस गर्मी होती है, उसके बाद फिर वो सर्दी होती है उधर. तो अच्छा मुझे ये बताएं लाहौर पहली बार आई हैं? जी पहली बार आई. तो कैसा लगा कैलाश की वादियों पहाड़ों से लाहौर में आकर? हाँ लाहौर भी वैसे बहुत अच्छा है, अच्छा लगा इधर आके. अच्छा अच्छा लगा. अच्छा वो जो वीडियो आपकी वायरल हुई है मैं तो अब देखी है मैंने, बट क्या था उस वीडियो के अंदर, इतना रिस्पॉन्स मिला आपको, इतने लोगों ने पसंद किया देखा उसे? बस वो हमारी एक कल्चर के बारे में थी और जो हमारे वहाँ पे एक पुरानी घर है और उसकी वो थी वीडियो थी जो हमारे 300 साल पुराना घर है ना उधर. 100 साल पुराना? हाँ 300 साल पुराना घर, एक उसकी वो वीडियो बनाई थी और एक कल्चर के बारे में कुछ भी वो कर रहे थे, पूछ रहे थे ना, उसकी वो थी. अच्छा वो जो 100 साल पुराना घर है, वैसे तो जिस घर को इतना अर्सा हो जाए वहाँ भूत की कहानियाँ मशहूर हो जाती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं नहीं 100 साल नहीं, 300 साल.
300 साल फिर तो लाजमन होंगे वहाँ पर। हाँ नहीं ऐसा नहीं, जब उस जिस घर में जब कोई लोग नहीं होते इसकी वजह से वहाँ पे भूत होते हैं, वहाँ पर बस मेरी दादा दादी रहते हैं ना, वो तो अभी रहते हैं। हाँ, 300 साल पुराने उसी टाइम से रहते हैं उधर। अच्छा। उनको वो घर अच्छा लगता है तो फिर वो उधर ही रहते हैं, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं उन्हें देखने, वो घर देखने, वो बिना वो बहुत पुराना घर है। अच्छा, एक वो उसकी वायरल हुई थी वीडियो। ड्रेस आपका बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये कैलाश का ट्रेडिशनल ड्रेस है? जी ये कैलाश का ट्रेडिशनल ड्रेस। और कैप भी कैलाश की ट्रेडिशनल। इसको क्या कहते हैं इस ड्रेस को? हम इसको पीरान कहते हैं। पीरान जी, वैसे कई लोग इसे पेराहन पेराहन बोलते हैं। पीरान पेरन जी। और इस टोपी को क्या बोलते हैं? शुशुद। शुशुद जी। मुझे नया ने बताया कि इनका एक और नाम भी था जो कि बड़ा मुश्किल था और लोग उसे गलत ले लेते थे, इसके बाद उन्होंने नाम ही बदल दिया। उन्होंने कहा मुसीबत ही हटाए। नाम क्या था वो? किसका? आपका असल नाम जो पहले अच्छा, था। अच्छा, मेरा असल नाम राची गुल। राची गुल। हाँ, वो लोग उनको रीची गुल बोलते इस तरह वो तो फिर मैंने चेंज कर दिया बस। अच्छा, मुझे बताइए आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। तो अनाया आप क्या करती हैं वैसे? जी मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 10th class। अच्छा, 10th class में पढ़ रही हैं। और आगे क्या बनने का इरादा है आपका? आगे इंशाल्लाह डॉक्टर बनने का इरादा। अच्छा माशाल्लाह, डॉक्टर बनना चाहती हैं मेडिकल। और कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहनें 3 भाई हैं। अच्छा, एक बड़ी फैमिली है। सो जब आपकी वीडियो वायरल हुई तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? वो उनका बहुत खुश हुआ था बस। हाँ, उनसे इजाज़त ले इस तरह, वो भी खुश हुआ था कि कल्चर के बारे में बता रही थे ना इस तरह, तो फिर वो उन्होंने। अच्छा, आपकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है। सो ये सारी कैलाश में ही बनती है? जी ये कैलाश में बनती है, सारी खुद बनाते हैं हम। अच्छा। ये हम चित्राल से लेकर ये धागे वगैरह सामान हम बाहर से लेकर आते हैं ना, तो फिर घर में लेकर आके हम खुद ही बनाते हैं सारी चीज़ें, जैसे ड्रेस कपड़े बेल्ट वगैरह। अच्छा, सीते भी खुद है? जी सीते भी खुद है। ऐसा क्यों है? क्या वहाँ पे मिलते नहीं है रेडीमेड, या ये कल्चर का हिस्सा जी, है कि? वो हमारे कल्चर का हिस्सा है ना, पहले ज़माने से हम खुद ही बनाते हैं ना। पहले ज़माने के तो वो बहुत अलग थे, वो बहुत भारी पे थे, इसलिए न्यू वो आ गया ना, इसलिए वजह से वो चेंज हो गया, तो फिर ये बना रहे धागे से। पहले तो वो बहुत मुश्किल। तो ये आपके ड्रेसेस कौन बनाता है घर में पे? जी बहन मोते अम्मी खुद सिखाते हैं हमें, फिर हम सीखते आते हैं। तो ये कढ़ाई आपको खुद भी करना आती है? हाँ आते हैं, हमारे वहाँ पे आते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बच्चे ही बहुत सुगड़ है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह 10th के अंदर हैं, तो फैसिलिटीज़ कैसी हैं वहाँ पढ़ाई की? कितने अच्छे स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं? अभी बन रहे, इतना अच्छा नहीं, बल्कि अच्छा तो इतना भी वो नहीं है ना उधर, इतने स्कूल पहले तो था भी नहीं, अब तो थोड़े थोड़ा वो है, थोड़ी इस तरह अच्छी सी स्कूल है। हाँ अभी बन स्कूल मौजूद है। अभी पहले बॉयज़ और गर्ल्स मिक्स था, अब बन रहे, अब बन गए भी है, लेकिन अब गर्ल्स अलग है बॉयज़ अलग है, अब कॉलेज भी बन रही है इंशाल्लाह। वो मेडिकल कॉलेज है? नहीं वो नहीं, वो हम चित्राल जाते हैं। फिर आप चित्राल जाएंगी पढ़ने के लिए? हम चित्राल जाएंगे। सही। ट्रैवलिंग कितना करती हैं? बिकॉज ट्रैवलर्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं कैलाश, और बहुत दूर तक आते हैं, और सफ़र भी काफ़ी खासा लंबा और दुश्वार है, मुश्किल है ना? रोड की वजह से, ज़्यादातर रोड की वजह से वो हो रहे हैं ना, वो वहाँ की रोड बहुत डेंजर है, इस तरह खतरनाक है वहाँ की रोड, इसी वजह। लेकिन आगे आके अच्छा है। लेकिन तो फिर आप कितना ट्रैवल करती हैं? कितना चित्राल तक तो गई हैं ना? हाँ, और अब लाहौर भी आ गई हैं। और क्या क्या देखा है आपने, कौन सा शहर देखा है? मैं इस्लामाबाद देखा हूँ, मुल्तान गई हूँ, पिशावर, वो इधर ही पिशावर तक गई हैं। चित्राल तो नहीं टाइम। तो सबसे अच्छा क्या लगता है? कैलाश ही अच्छा लगता है? हाँ कैलाश ही अच्छा। और कोई सिटी अच्छा लगता है? नहीं कोई सिटी नहीं, बस कैलाश। बस कैलाश ही अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ये बताएं, एक फेस्टिवल बड़ा मशहूर है आपका जो कि उन्होंने दिखाया भी हमें, उस फेस्टिवल में बेसिकली होता क्या है? वहाँ पे डांस होता है, वो हमारे कल्चर के कुछ रस्म भी होते हैं उधर, फिर उसकी वजह से हम वो जो मौसम बाहर है ना उस टाइम बनाते हैं, जो नए फसलें होते हैं उनकी खुशियों में जो बाहर होते हैं उनकी, वो कुछ हमारे रस्में होते हैं कुछ इस तरह की, हम उस टाइम बनाते हैं डांस वगैरह, तो फिर उस टाइम हमारा फेस्टिवल होती है। तो जब ये फेस्टिवल हो रहा होता है तो बेसिकली चूँकि डांस इज़ अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, तो वो कोई स्पेसिफिक डांस होता है तो हर बच्ची को सिखाया जाता है या बच्चियाँ फिर सीख जाती हैं? देखिए यहाँ हमारे क्लास से तो खुद सीख जाती है बच्चियाँ भी, फिर वो हम करते हैं ना जब फेस्टिवल के लिए, जो बड़ा फेस्टिवल उसकी 10 दिन पहले हम वो करते हैं उसकी प्रैक्टिस, यानी 10 दिन पहले से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है उसकी। हाँ ये बच्चियाँ इस तरह फिर वो सीख, वैसे हमारे लिए तो आसान, इतना मुश्किल नहीं है, बस वो आप लोगों के लिए
जिस तरह इधर के लोग हैं मुस्लिम, ये इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगी, पर हमारे लिए आसान है, हम पहले से करके आए। बच्चे भी बस जिनकी वो शौक है वो करते आ रहे, बल्कि सबको शौक है ना, इसलिए सारे सीखते हैं, ये आसान है हमारे लिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि खाना कौन सा मशहूर है कैलाश का? हमारे वहाँ का पंदीर, जो चीज़ वगैरह चीज़ है, पंदीर है, लोबिया, इस तरह के इस बस वो मशहूर है हमारे वहाँ के अभी तो। तो ये जब आपकी वीडियो वायरल हुई तो फिर आपको कैलाश में तो हर कोई पहचानने लग गया होगा कि ये वही लड़की है जिसकी हाँ, वीडियो वायरल हुई है। हाँ, बहुत लोग आते हैं मिलने भी, हाँ सेल्फीज भी बनाते होंगे, हाँ। वीडियोस भी बनाते होंगे। बस वीडियो तो नहीं बनाए अभी, मैं मना करती हूँ ना। अच्छा हाँ। मना करती हैं कि नहीं बना? बस फैमिली लोग आते हैं उनके साथ पिक वगैरह बनाती हूँ, जो वहाँ जो लड़के आते हैं उनके साथ नहीं बनाते, वैसे भी इजाज़त भी नहीं है लड़कों के साथ बनाना। ये तो अच्छी बात है, बस फैमिली उसके साथ। वैसे हमारे वहाँ पे इस तरह है ना, जो कहते हैं कि कैलाशों की आज़ादी है, इस तरह लड़कों के साथ भी इस तरह फ्री होते हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं है। बस आज़ादी हमारी आज़ादी है, लेकिन उसकी भी हर किसी को अपनी इज्जत बहुत खास होती है, इज्जत की बहुत वो करते हैं ना, लेकिन हम इस तरह नहीं है, बस यूं हदूद होती है। हाँ। एक लिमिट सेट, अ बाउंड्री सेट की होती है। अच्छी बात है जनाब, हर कोई करता है। अच्छा तो मुझे ये बताइए, तो बाकी बहन भाई क्या करते हैं, उनमें से कोई डॉक्टर है? नहीं अभी, दो ने शादी कर ली है बस, एक फोर्थ ईयर में है और वो एक मेरे साथ आई है, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, और दूसरा भाई भी वो भी पढ़ रहे हैं। आप यहाँ किसके साथ आई हैं? जी मेरे भाई के साथ आई। भाई के साथ आई हैं आप, तो यानी भाई सपोर्टिव हैं, चाहते हैं कि आप काम करें, तो जब इतनी वीडियो वायरल हो गई है, ऐसा सोचा है मीडिया में कोई काम करें, कोई प्रोग्राम करें? हाँ सोचा है। सोचा है, करेंगी। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि डॉक्टर किस चीज़ में स्पेशलाइज करना चाहती हैं बन के? वो अभी सोचा नहीं। अभी सोचा नहीं है, लेकिन बनना है आपने। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह वहाँ पे लड़कियाँ कितना काम करती हैं, प्रोफेशनल फील्ड्स ज्वाइन करती हैं वहाँ पे? हाँ काम करते हैं बहुत, कोई डॉक्टर है इस तरह, उधर भी कोई डॉक्टर है, कोई बाहर भी इधर भी ऑफिस इधर आके इस्लामाबाद वहाँ पे इधर काम करते, कोई पढ़ते हैं ज़्यादातर। अच्छा तो अब चूँकि हमारा टाइम भी ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, तो मुझे बताइएगा कोई आपकी ज़बान में कोई आपका ऐसा इलाकाई गाना, कोई सॉन्ग जो आप हमें सुना सकें। हाय माय रू रू पारी के माय रू रू के शवला पारी के डूडी का ओई के डूडी का पेने हो मस्कोरा ओई ते हाचा सोजे में सोहरूम खुर्सी ए ते तरा निसायो आओ डांग जागे ते तरा निसायो आओ डांग जागे इरे नाय गंबूरी सलम कार उदाए में जख्मी हरदी ओ तजा कार उदाए। आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, मुझे मतलब बताएंगी इस गाने का? हाँ इस गाने का मतलब ये कि एक लड़का था और एक लड़की, वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, तो फिर हमारे वहाँ पे एक शाह वाला एक जगह का नाम है ना, तो फिर वो लड़का उस लड़की को कह रहे कि आ जाओ मैं आपको ले जाऊँगी शाह वाला, उधर जाकर आपको एक सोने से कुर्सी में आपको बैठाऊँगी और मैं नीचे बैठ के आपको बस देखता रह जाऊँगी, देखूंगी एनी टाइम। ये लड़की कहती है? हाँ वो लड़का लड़की को कहती है कि आपको आपके लिए एक सोने की कुर्सी बनाऊंगी, तो फिर मैं आपको उधर बैठाऊंगी और मैं आपको देखती रह जाऊंगी। अब तो सोने की कुर्सी लोग खींच ही लेते हैं। हाँ। बैठाता बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और माशाल्लाह शी इज़ वेरी स्वीट, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने कैलाश के कल्चर को रिप्रेजेंट किया। कैलाश पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन इलाका, जिसका फेस्टिवल, जिसके रंग, जिसकी सीनरी पूरी दुनिया में मशहूर है, और आज तो खुद कैलाश हमारे पास उठ के आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन इसके साथ एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। हम ये तो जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कोविड के दौर के अंदर बहुत इनिशिएटिव्स लिए, स्टार्टअप्स का आगाज़ किया, और बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज़ को लेकर इनोवेट करके
रेसिपी लिए, स्टेप भी उठाए, बिजनेस को भी सेटअप किया, बट बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि ऐसा एक इदारा भी मौजूद है जो कि ऐसी कंपनीज को, ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को फैसिलिटेट करता है. वो इदारा है जनाब PITB का, और किस तरह ये फैसिलिटेट करता है आज इसी पर हम बात करेंगे. खबीरुल तनवीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंक्यूबेशन मैनेजर हैं लाहौर नेशनल एक्सपेंशन प्लान ऑफ NICPTB के. वेलकम टू द शो सर. तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देने के लिए स्पेसिफिकली आपका डिपार्टमेंट क्या करता है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. सो मैडम, PITB 2012 में PITB ने एक इदारा कायम किया था जिसे प्लान 9 का नाम दिया गया. ठीक है. प्लान 9 एक इंक्यूबेशन सेंटर था जो पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नमेंट बेस्ड इंक्यूबेटर था. उसकी सक्सेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने 3 साल पहले नेशनल एक्सपेंशन प्लान ऑफ NIC लॉन्च किया, जो कि पूरे पाकिस्तान में 13 इंक्यूबेटर्स हमने लॉन्च कर दिए हैं जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के पार्टनरशिप के साथ ताल्लुक. हम PITB से कैसे प्रमोट करें कि हम स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करते हैं, और कोई भी जो एक नया बिज़नेस सेटअप कर रहा होता है उसे एक ऑफिस स्पेस की चाहिए होती है, उसे मेंटरशिप चाहिए होती है, उसे नेटवर्किंग कनेक्शन चाहिए होते हैं, वो सारे के सारा PIT मतलब कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर देती है. हमें बस स्टार्टअप से एक आइडिया चाहिए होता है जो एग्जीक्यूटिबल हो, और आइडिया के साथ वो आइडिया जो एंटरप्रेन्योर की डिटर्मिनेशन चाहिए होती है कि वो उसे इम्प्लीमेंट कर सके. बाकी सारी जो सर्विसेज जो एक हम देंगे वो हम सारी खुद देते हैं. ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये अब सेंटर नेशनल एक्सपेंशन प्लान के तहत सर्विसेज देता है, कितने लोग आपसे रब्ता करते हैं, कितना लोगों को अवेयरनेस है इस डिपार्टमेंट की? सर मैम, करंटली हमारी 3rd cohort की एप्लीकेशन लॉन्च हो गई हैं. अब मेरी जो फर्स्ट कोहोर्ट में मेरे पास 300 एप्लीकेशंस आई थी, सेकंड कोहोर्ट में भी अराउंड 300 एप्लीकेशंस आई थी. तो तकरीबन एक तरह से कहते हैं 600 लोगों ने डायरेक्टली मुझसे रब्ता करके अपने आइडियाज़ पिच किए हैं. अब हमारी 3rd cohort की एप्लीकेशंस लाइव हैं, वो हम वेबसाइट पे जाकर हम देख भी सकते हैं. आप देख सकते हैं कि क्या क्या हम सर्विस ऑफर कर रहे हैं, और इसकी लास्ट डेट भी अगस्त के एंड तक है. तो मैं अर्ज करूंगा यंग एंटरप्रेन्योर्स को, जिनके पास कोई भी विजन है, स्टूडेंट्स हैं, कि अगर उनके पास कोई आइडिया है वो ज़रूर अप्लाई करें. ठीक है. और जब वो अप्लाई कर देते हैं फिर क्या प्रोसेस होता है आपका? अप्लाई करने का एक प्रोग्राम को हम लॉन्च पैड कहते हैं. हम लॉन्च पैड 2-day इवेंट होता है, उस पर हम उन्हें इन्वाइट करते हैं. अच्छा. फर्स्ट इनिशियल शॉर्टलिस्ट हो जाती है, बाद में जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें हम लॉन्च पैड पर इन्वाइट करते हैं. वो आके अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं. ठीक है. इन फ्रंट ऑफ एस्टीम्ड जजेस जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी होते हैं, एकेडेमिया के भी होते हैं, वो सारे इन्हें जज करते हैं कि ये आइडिया वाकई चल सकता है पाकिस्तान के इन्वायरमेंट पर या वर्ल्ड ओवर. उसकी बेस पे जो टॉप 10 होते हैं उन्हें हम नेक्स्ट 6 months के लिए अपने पास इंक्यूबेट करते हैं, और उन्हें जो सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, स्टाइपेंड, मंथली मेंटरशिप, ये सारी की सारी चीज़ें PITB उन्हें देती है. ठीक है. और ये ट्रेनिंग स्किल्स वो भी सिखाते हैं? हाँ जी, हमारे ट्रेनिंग सेशंस भी होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल एक कोई स्टार्टअप आया, वो कहता है कि मुझे मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम सही चल नहीं रहा, तो हम उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट कराते हैं. वो उन्हें सिखाते हैं कि आप इस तरह नहीं, इस तरह काम करें. कोई कहता है मेरी मार्केटिंग स्किल्स लो हैं, तो हम मार्केटिंग के सेशन अरेंज कराते हैं. कोई कहता है कि मुझे लोगों के सामने बोलना नहीं आता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता अट गया, तो हम उन्हें पिचिंग के सेशन करवाते हैं. तो इस तरह के हमारा तमाम सेशन की कॉस्ट जो है वो आपका इदारा बर्दाश्त करता है? हाँ जी. स्टार्टअप्स को जो इंक्यूबेट होते हैं उन्हें कुछ अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ता, इवन कि हम अपनी जेब से उन्हें हर बंदे को 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड देते हैं, ताकि एटलीस्ट अगर वो कुछ कमा नहीं रहे उनके आने जाने का खर्चा या फिर उनके खाने पीने का खर्चा वो निकल जाए. कोई एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि मैं इस महीने नहीं तो 2-3 महीने बाद जब मैं कमाना शुरू करूँगा कि मैं ज़ीरो नहीं होऊँगा, वो एक सिक्योरिटी आ जाती है. सर, इसमें अप्लाई करने की तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो क्या है? हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है कि पहला तो है पाकिस्तानी सिटीज़न, दूसरा है 18 years ऑफ एज. हम एजुकेशनल डिग्री नहीं फोकस करते. आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, मतलब आपके हाथ में CNIC होना चाहिए. CNIC इसलिए क्योंकि हम बैंक अकाउंट्स बनवाते हैं, हम लीगल ट्रांजेक्शन की तरफ स्टाइपेंड पे होता है तो वो बैंक में डायरेक्टली पे होता है, हम कैश वगैरह, इसलिए हम कहते हैं 18 years ऑफ एज. इवन 18 years से लेकर 60 साल तक कोई एज लिमिट नहीं है, सिर्फ एक हमें आइडिया चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए जो आइडिया एग्जीक्यूटिबल हो, उसके अलावा कोई हमारी एज पे रिक्वायरमेंट्स नहीं है सच. ठीक है. और इसका जब आप रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते वो भी फिर किसी ना किसी सूरत आप लोगों से जुड़े रहते हैं? हाँ जी, हम एक गवर्नमेंट इदारा है,
उनके पास हमारी ईमेल्स वगैरह होते हैं, उनका रबता हमारा रहता है वाया लिंक्डइन या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो हम आके मिल सकते हैं, अपना आइडिया नेक्स्ट कोहोर्ट के लिए डिस्कस कर सकते हैं। ये हम बेसिकली हम गवर्नमेंट इदारे हम तो पूरे हो के लिए, बेशक कोई सिलेक्ट हो ना हो लेकिन हमने उन्हें फैसिलिटेट ज़रूर करना होता है। अच्छा सर, होता ये कि हर गवर्नमेंट के कुछ फोकसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज आ गया, सोलर एनर्जी आ गया, जहाँ पे ज़रूरत होती है कि लोग आएं और कुछ इनिशिएटिव लें, तो आपके कोई ऐसे थीम्स भी होते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि लोग स्टार्टअप इनिशिएट करें? मैं इस तरह से जवाब देता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, उस प्रॉब्लम को इनोवेटिवली सॉल्व करना है। इनोवेशन आप सॉल्व करते हैं वाया टेक, टेक्नोलॉजी से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मेन एलिमेंट होता है कि आपका जो आइडिया होना चाहिए उसमें टेक का एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वुमेन है, वो कपड़े सीती है, अब वो कपड़े सी के वैसे दुकानों में बेच रही है, अगर उसका कोई इंस्टाग्राम पेज बन जाए या फेसबुक पे या एक प्लेटफॉर्म या ऐप बन जाए, वो हमारे लिए और टेक का एलिमेंट टेक हो गया और उसकी वाइडर ऑडियंस शुरू आना शुरू होगी। तो ये इस तरह से आइडिया एग्जीक्यूटिबल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि हमने बस देखना है कि आइडिया कितना आगे निकल सकता है और कितना एग्जीक्यूट हो सकता है, उसके अलावा हम देखते हैं कि कितनी एम्प्लॉयमेंट इसे जनरेट हो सकती है। ये हमारी मुख्तलिफ KPIs होते हैं कि हमने हर ज़रूरी होता है कि हर स्टार्टअप एटलीस्ट 5 लोगों को एम्प्लॉय करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 स्टार्टअप्स मेरे पास होते हैं, 10x5 एक कोहोर्ट में 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा होता हूँ, हमारा ये प्रोजेक्ट दे रहा होता है। और ये 3-4 साल प्रोजेक्ट जितना होता है, आप उससे सिंपल मैथ्स कर लें कि इसका स्केल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है सिर्फ एक सेंटर का, और पूरे पाकिस्तान में 13 सेंटर है, तो आप मल्टीप्लाई कर लें कि कहाँ से कहाँ उसका पहुँच। अब गिलगित में भी हमारा सेंटर है, गिलगित में आज तक स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था लेकिन गिलगित में हमारा कोहोर्ट बहुत अच्छा जा रहा है। उसके अलावा क्वेटा, पेशावर, सवात, लाहौर, आप जहाँ जहाँ पंजाब में 4 है, सिंध में 3 है, KP में 2 है, कि इसी तरह हर प्रोविंस हमने कवर किया है और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में किया है ताकि स्टूडेंट्स को डायरेक्टली एंगेजमेंट मिल जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कौन कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं आपके जो कि हम ये कहें कि अगर PITB के सपोर्टिव रहे हैं और बड़े सक्सेसफुली रन कर रहे हैं? ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक हमारा एक स्टार्टअप है जो मेरे अंडर वो कॉपी पेंसिल, वो बेसिकली स्टेशनरी और सारी स्कूल यूनिफॉर्म को डिजिटाइज कर रहा है। अच्छा, तो वो ऑलरेडी काम कर रहा है, तकरीबन 8-9 लाख उसका मंथली रेवेन्यू है। उसके अलावा मेरे पिछले कोहोर्ट में एक स्टार्टअप था सब्जी.pk, वो वेजिटेबल और फ्रूट्स की जो सप्लाई चेन है उसे सही कर रहा है। सप्लाई चेन मतलब कि आप एक ज़मीन से कोई चीज़ निकलती है ना, तो बंदे तक कस्टमर तक पहुंचते वो डैमेज भी हो जाती है ट्रांसपोर्ट में इधर उधर, तो वो जो सप्लाई चेन होती है ना वो तोड़ होता है ताकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास सेफली और फ्रेश पहुंचे। बिल्कुल सही। तो ये सब्जी.pk चल रहा है। उसके अलावा एक पिछला स्टार्टअप था मेरा ड्यूटी, वो बिल्कुल आइडिया स्टेज के साथ आया था, उसके बाद सिर्फ आइडिया था। ये दो पहले तो स्टार्टअप थे जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, अब ड्यूटी बिल्कुल आइडिया स्टेज के साथ आया था, उसने एक भी पैसा नहीं कमाया था, वो आफ्टर 6 मंथ्स डेली तकरीबन 15-20 हज़ार सेल कर रहा था। तो इस तरह से हमारे बहुत ज़्यादा स्टार्टअप है जो आइडिया स्टेज के साथ आए हैं, जो कमाना शुरू हो गए हैं, जो ऑलरेडी कमा रहे थे उनका स्केल और ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, आप इससे तो एग्री करेंगे कि कोविड के दौर में बिज़नेस प्लान्स चेंज हो गए हैं, फिज़िकल कम, टेक का इस्तेमाल हो रहा है, घर बैठे लोग कमा रहे हैं, इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो कौन से हैं जो आप लोगों ने सपोर्ट किए? कोविड में ज़्यादातर हमने देखा कि पूरे वर्क डायनेमिक्स चेंज हो गई हैं। हाँ। अब लोग प्रेफर करते हैं कि कोई भी उनका काम उनका घर बैठे हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोसरी या फिर बैंकिंग। तो इसी तरह से ना एंटरप्रेन्योर्स को भी आइडियाज आना शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल एक स्टार्ट हुआ था कि आप एयरलिफ्ट जो था शुरू में बस सर्विस थी, उन्होंने कोविड में के दौरान बस सर्विस ख़त्म की और टोटल वो स्टार्ट हो गए वो ग्रोसरी सर्विस में। अब हालांकि एयरलिफ्ट बंद होगी लेकिन उन्होंने 3-4 साल पाकिस्तान इकोसिस्टम को वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज करवा दिया था, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान में पिछले सालों में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स आई हैं स्टार्टअप्स की। तो ये फ़ायदा होता है, आप एक अच्छा एग्जांपल अगर वर्ल्ड ओवर आ जाता है ना, तो आपका एक तरह से पाकिस्तान का नाम मैप पे आ जाता है कि पता लगता है कि पाकिस्तान में बंदे काम किए हैं, लोग काम कर सकते हैं, विजन है और ये आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट या फिर काविशें क्या हैं PITB की, बिकॉज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं
मुझे पता चला कि ये इदारा है, काम कर रहा है, हो सकता है हर एक को नहीं पता हो। हाँ जी, तो इसकी हमारी, जैसे मैंने बताया कि हमारी लाहौर के सेंटर जो मैं रन कर रहा हूँ उसकी मार्केटिंग ड्राइव आजकल चल रही है। मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स को टैपिंग कर रहा हूँ, उसके उनको जाके बता रहा हूँ कि आइंदा आए। होता कि स्टूडेंट समझते हैं कि हम कहीं जाके काम करेंगे हमें पे करना पड़ेगा। हम कुछ उनसे कहते हैं हमें सिर्फ आपसे जो चाहिए है ना वो डिटर्मिनेशन और आइडिया है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब हम उन्हें स्कूल में जाके उन्हें बताना पड़ता है कि अप्लाई करें, उसके अलावा हम खुद भी सेशन दे रहे होते हैं। हमारी मार्केटिंग ड्राइव बहुत एक्सेसिवली चल रही है सोशल मीडिया पे और नॉन सोशल मीडिया, टीवी अपीयरेंस, न्यूज़पेपर, इस तरह से हम लोगों को चैनलाइज कराना चाह रहे हैं कि आए। 300-300 एप्लीकेशन हर साल आना शुरू हो गई हैं। और इवन कि मैं सिर्फ अपने सेंटर की बात करूं, वर्ल्ड ओवर मतलब फॉर पूरे पाकिस्तान में हमारी 1000 से ऊपर एप्लीकेशन एक कोहोर्ट में आ जाती हैं। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे, बिकॉज एज अ रिप्रेजेंटेशन यू आर रिप्रेजेंटिंग इनक्यूबेशन मैनेजर हैं और नेशनल एक्सपेंशन प्लान NIC को, PITB को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं या उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोताही उनसे हो रही है, कोई मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? मैसेज मैं उन्हें सिर्फ ये देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में यूथ ऑलमोस्ट हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, तो मुल्क तो आप लोगों ने चलाना है, मतलब मुल्क तो हमने या आप लोगों ने चलाना है। जो हमारे से पिछली जनरेशन है वो अगले 10-12 सालों में एक तरह से ख़त्म हो रही है। बिल्कुल, तो मुल्क आपके हाथ में है और आप लोगों के पास जो फैसिलिटीज़ हैं ना वो उनके पास नहीं थी टेक की खासकर, तो इसे चैनलाइज करें। और इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर जैसे नेशनल एक्सपेंशन प्लान ऑफ NIC लाहौर सेंटर है, उसकी एप्लीकेशन ऑन है, हम लिंक यहाँ पर नीचे प्रोवाइड कर देंगे, तो उस पर अप्लाई करें। हमारा सेंटर PIFD में है, वहाँ आके आप मुझे डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट्स भी देख सकते हैं, तो देख सकते हैं कि हम किस तरह आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं और आप पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान में फ्यूचर में किस तरह हाथ बढ़ के हमारा हाथ लगा सकते हैं। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया खबीर साहब। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जनाब हमारी गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव्स ले रही है, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई बिजनेस प्लान हमारे पास होता है या कोई ऐसा प्लान हमारे पास होता है तो हम सबसे पहले कहते हैं हमारे पास फाइनेंस नहीं है, फिर हम बैंक्स की तरफ देखते हैं। ऑब्वियसली हर बैंक के अपने रजिस्ट्रेशन और स्टैंडर्ड्स होते हैं, कई दफ़ा हम पूरा नहीं उतर पाते, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, सो अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई पुश नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, वो लकी चार्म नहीं है जिसके ज़रिए हम तरक्की की जीने जो हैं वो तय कर सकें। सो दिस सेंटर इज़ एक्चुअली फॉर यू, और होता ये है कि इस सेंटर के ज़रिए आपको फैसिलिटेट किया जाता है, जैसा खबीर साहब ने बताया, आपको रिक्वायर्ड स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे हैंडल करनी है, टारगेटिंग कैसे करनी है, एम्प्लॉयमेंट लेके रिस्क फैक्टर कितना आपको मद्देनजर रखना है, कितना कैपिटल डालना है, नहीं डालना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। सो आई गेस एक गवर्नमेंट का इदारा है जो आपकी फैसिलिटेशन के लिए मौजूद है, प्लस आपको एक मिनिमम से अगर अमाउंट भी दे रहा है कि आप अपना बिजनेस शुरू करें, एंड इफ़ यू हैव जीरो बैलेंस इन योर अकाउंट तो इतना तो दे रहा है कि आप दिमागी तौर पर ज़रा सुकून से अपने बिजनेस का इनिशिएट करके पूरा फोकस वहाँ लगा सके, तो कोई हर्ज नहीं है। इफ़ यू हैव अ गुड बिजनेस प्लान तो ज़रूर पिचिंग करें अपना आइडिया भी और मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालिए, बिकॉज अल्टीमेटली अगर हमारे ही दरमियान से लोग उठ के इकॉनमी में हिस्सा डालेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम बाहर से उम्मीदें लगा कर बैठें कि वो हमें फ़ंड्स दे दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेज दें, अपने फ़ंड्स आप खुद जनरेट करें। इसके साथ ही इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी, और आप भी अगर प्रोग्राम देख रहे हैं या आपके दोस्त वगैरह जानते हैं इसे सदका जारिया के तौर पे फैलाइए, बिकॉज एक की कामयाबी पूरे ख़ानदान की कामयाबी होती है। और इसी के साथ जनाब अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक और नंबर आपके पास है, हमसे कनेक्टेड रहिए और पॉजिटिव चीज़ों को ट्रेंड कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।